नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डाउटनेट पर। आज स्टार्ट कर रहे हैं नया अध्याय जिसका नाम है उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। जो उच्च पादप जो होते हैं, हायर प्लांट्स जो होते हैं, जैसे हमारे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जिनको हम बोलते हैं, है ना, आवृत बीजी और अनावृत बीजी, उनके अंदर मेजरली हम क्या देखने वाले हैं, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, चैप्टर बड़ा है, ध्यान से सुन लीजिए। चैप्टर बड़ा है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैं पहले ही बता देता हूं। चैप्टर बड़ा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो कृपया करके आराम से पढ़ाऊंगा, भागूंगा नहीं, तसल्ली से पढ़ाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। क्या पढ़ेंगे बेटा आज? प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे और उससे संबंधित जो कुछ वैज्ञानिक है जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, प्रयोग किए थे, किससे संबंधित? प्रकाश संश्लेषण से संबंधित वो कुछ प्रयोग हम देखने वाले हैं। ठीक है, और लास्ट में आएगा क्या, करें स्टार्ट। फोटोसिंथेसिस, अंग्रेजी में बोला फोटोसिंथेसिस और हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या होता है, किस तरीके से होता है? सबसे पहले याद रखना, मैं जब से पढ़ा रहा हूं ना, मेरे को याद है तब से मैं ये हर बार प्रश्न पूछता हूं 11वीं या 12वीं कक्षा होने के बाद में बच्चों से, क्योंकि ये अभिक्रिया 10वीं कक्षा में आ जाती है और 11वीं खत्म होने के बावजूद भी कई बच्चे इस अभिक्रिया को याद नहीं रखते हैं, 12वीं में भी याद नहीं रख पाते, भूल जाते हैं। तो सबसे पहला काम, इस अभिक्रिया को आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। अगर आप सच्ची में नीट की तैयारी कर रहे हैं, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 12 जल के अणु, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 12 जल के अणु, प्रकाश, नीचे क्लोरोफिल दे रखा है, मैं यहां पर बेहतर होएगा यहां पर लिख देता हूं वर्णक, क्योंकि सिर्फ क्लोरोफिल नहीं, और भी कई सारे वर्णक होते हैं क्लोरोफिल के अलावा, और भी कई वर्णक होते हैं ना। तो प्रकाश, वर्णक, 12 जल के अणु, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु, और बनेगा क्या बेटा जी, हमारी शुगर, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। ठीक है, और क्या बनेगा, 6 जल के अणु बनेंगे और 6 ऑक्सीजन मुक्त होगी। तो ये अभिक्रिया आपके दिमाग में अभी के अभी फिट हो जानी चाहिए। 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 12 जल के अणु किसकी उपस्थिति में, प्रकाश और वर्णकों की उपस्थिति में क्या बनता है, भोजन बनता है। तो प्रकाश, मेनली प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में संश्लेषण हो रहा है, किसका, भोजन का, शर्करा का, कौन सी, ग्लूकोज का। ठीक है, जल के अणु भी बनेंगे और ऑक्सीजन मुक्त होती है। डन, सिंपल सा था, कुछ दिक्कत नहीं थी, आराम से, कोई कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, अब ये जो ग्लूकोज जो बनती है ना, आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें हैं जो मुझे बतानी जरूरी है। हालांकि हमारी एनसीईआरटी में कई सारी चीजें यहां पर दे रखी है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको जो चीज बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहला बिंदु, हालांकि ये एक चैप्टर है विकास, उसमें भी आता है, इवोल्यूशन चैप्टर जो है उसमें भी आता है, लेकिन मैं आपको पहले ही बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपसे कोई पूछे प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, आप सीधा बोलेंगे सर प्रकाश संश्लेषण की, अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो क्या लिखना है, आपने ये जो चीज लिखी हुई है ये लिखना है। लेकिन रटा रटाया विज्ञानी, समझने वाली जो चीज है क्या, कि हरे पौधे अपने लिए आवश्यक भोजन का निर्माण अथवा संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण द्वारा करते हैं, वे स्वपोषी कहलाते हैं। ये डेफिनेशन है प्रकाश संश्लेषण की, ये डेफिनेशन कि प्रकाश संश्लेषण यह एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसमें कार्बनिक यौगिक यानी ग्लूकोज का संश्लेषण होता है, किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, और ऊर्जा का उपयोग होता है। तो ये तो हो गई डेफिनेशन, है ना। तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहला बिंदु जो आ रहा है यहां पर वो ये आ रहा है, सर ये प्रकाश संश्लेषण सबसे पहले किसने किया था, ध्यान से सुनना, ये प्रकाश संश्लेषण सबसे पहले किसने किया था। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषण, अगर आपने ये चैप्टर ध्यान से सुना, ये वाला चैप्टर अगर आपने ध्यान से सुना, ठीक है, तो सारी चीजें समझ में आएंगी। सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषण किसने किया था, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहला जो फोटोसिंथेसिस जो था, सबसे पहला फोटोसिंथेसिस जो था वो किसने किया था,
तो दोस्त याद रखना, सबसे पहला प्रकाश संश्लेषण किसने किया था यह भी बताऊंगा, लेकिन कौन सा हुआ था ध्यान से सुनना। सबसे पहला प्रकाश संश्लेषण जो था वो कैसा था? अनोक्सी था। क्या सर? अनोक्सी था। मतलब अनोक्सी का मतलब जरा इधर देखना, इस प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को देखो और देखकर मुझे ये बताओ, क्या इस प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में ऑक्सीजन निकल रही है? हाँ सर, निकल रही है ना। यानी ये अभिक्रिया जो होगी ये कौन सी होगी? प्रकाश संश्लेषण की ऑक्सी प्रक्रिया है, जिसमें ऑक्सीजन मुक्त होती है। तो याद रखना, सबसे पहला जो प्रकाश संश्लेषण हुआ था उसमें ऑक्सीजन मुक्त नहीं। कार्बनिक पदार्थ, कौन सा कार्बनिक पदार्थ? शर्करा। कौन सी? ग्लूकोज, है ना, यही मीनिंग है ना। तो आप मुझे बताएं, इस अभिक्रिया में प्रकाश इस्तेमाल हो रहा है? हाँ सर, बिल्कुल हो रहा है। नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। प्रकाश इस्तेमाल नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। और क्या कार्बनिक पदार्थ नहीं बन रहा? बिल्कुल बन रहा है। क्या मैं इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण नहीं बोलूंगा? बिल्कुल बोलूंगा यार, ये वाली प्रकाश संश्लेषण नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन क्या यह प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन मुक्त हुई? नहीं हुई, नहीं। तो यह प्रकाश संश्लेषण कैसा कहलाएगा? अनऑक्सी कहलाएगा। और यह सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषण था जो कैसा था? अनऑक्सी था। और बेटा यह प्रकाश संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था, भूल ना जाइएगा। ऐसा प्रकाश संश्लेषण सबसे पहले किसने किया था? सल्फर जीवाणुओं ने सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण किया। याद रखना, नहीं दे रखा है हमारी बुक में, लेकिन ये पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीज आपको विकास चैप्टर में भी सुनने को मिलेगी। इसलिए मैंने एडवांस में बता दिया कि सबसे पहले जो फोटोसिंथेसिस हुआ था, फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब बनाना, लाइट की उपस्थिति में क्या बनाना? भोजन बनाना। लाइट भी है, भोजन भी है, यह भी प्रकाश संश्लेषण है, लेकिन कैसा है? अनॉक्सी है। यह किया था सबसे पहले किसने? सल्फर जीवाणुओं ने। डन, इतनी सी बात समझ में आ गई। अब आपका दूसरा प्रश्न होगा, लेकिन सर हम तो प्रक्रिया ये वाली देखते हैं, ये वाली जिसमें क्या निकल रही है? ऑक्सीजन निकल रही है। मैंने कहा तो ये वाली प्रक्रिया जो थी ये किसने अपनाई, ये किसने दर्शाई, जिसमें ऑक्सीजन मुक्त हो रही है? तो सर्वप्रथम सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषण सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषण जो सर्वप्रथम फोटोसिंथेसिस जो कैसा था दोस्त, ये वाला कैसा था?
अनॉक्सी था, तो ये वाला अब मैं किसकी बात करने वाला हूं, ऑक्सी, यानी जिसमें ऑक्सीजन मुक्त होगी। ये वाला अनॉक्सी था, ये वाला अनॉक्सी, अब मैं बात करने वाला हूं ऑक्सी, इसमें ऑक्सीजन मुक्त नहीं हुई थी। सबसे पहला याद रखना, फर्स्ट, इस पृथ्वी पर जो सबसे पहला प्रकाश संश्लेषण था, किस पर, इस पृथ्वी पर जो सबसे पहला हुआ था, पृथ्वी पर जो सबसे पहला प्रकाश संश्लेषण हुआ था वो कौन सा हुआ था, अनॉक्सी हुआ था। क्यों सर? क्योंकि विकास चैप्टर में आप पढ़ेंगे इस पृथ्वी पर ऑक्सीजन नहीं थी जी। इस धरती पर जब इस धरती का निर्माण हुआ तो उस टाइम पर ऑक्सीजन नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि ऑक्सीजन निकली ही नहीं। ऑक्सीजन निकलती कौन सी प्रक्रिया से? इस प्रक्रिया से निकलती। सोचो, प्रकाश संश्लेषण जो होता है उसी से ही तो पेड़ क्या निकालते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं ना, और उसी ऑक्सीजन को हम यूज में लेते हैं ना, है ना। तो जरा सोचिए, मैंने आपसे क्या बोला कि सबसे पहले इस पृथ्वी पर जो प्रकाश संश्लेषण हुआ था वो कैसा था? अनॉक्सी था, ऑक्सीजन नहीं थी इस पृथ्वी पर। लेकिन बाद में कैसा हुआ? ऑक्सी हुआ। अब सर, ये ऑक्सी प्रकाश संश्लेषण सबसे पहला, इसकी अभिक्रिया मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है, वापस से जल्दी से बता देता हूं। 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 12 जल के अणु, प्रकाश और वर्णक की उपस्थिति में क्या बन रहा है? ग्लूकोज बन रहा है। 6 जल के अणु निकल रहे हैं और 6 ऑक्सीजन निकल रही है। तो ये वाली जो प्रक्रिया है, ये है हमारी कौन सी, याद रखना है, ऑक्सी प्रकाश संश्लेषण। इसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सी प्रकाश संश्लेषण। सर, ये सबसे पहले किसने दिखाई थी? तो दोस्त याद रखना, ये सबसे पहले, सर्वप्रथम किसने दिखाई थी? नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हम बीजीए बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना, भूल ना जाइएगा, सबसे पहले इस पृथ्वी पर ऑक्सीजन किसने मुक्त करी थी? मेरे वर्ड को ध्यान से कान खोलकर सुनिएगा, प्रश्न बनता है। जैसे आपने एक नाम सुना होगा, हरित क्रांति, सुना है ना, सभी ने सुना है हरित क्रांति, है ना। हरित क्रांति में क्या था? हमने पौधों की उत्पादकता को बढ़ाया था, है ना। एक होती है श्वेत क्रांति, जिसमें हमने दूध की उत्पादकता को बढ़ाया था। एक होती है नील क्रांति, जिसमें हमने मत्स्य पालन को बढ़ाया था। एक होता है ऑक्सीजन क्रांति, हमने नहीं करी थी, किसने करी थी? इन्होंने। अंग्रेजी में बोला जाता ऑक्सीजन रेवोल्यूशन, मतलब इस अर्थ पर, इस पृथ्वी पर सबसे पहले ऑक्सीजन इन्होंने मुक्त करी थी। कौन सी प्रक्रिया से? इस प्रकाश संश्लेषण से, जिसमें उत्पन्न हुई थी क्या? ऑक्सीजन। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। भूल ना जाइएगा, इनको हाथ जोड़िए, प्रणाम करिए, इन्हीं की वजह से सबसे पहले ऑक्सीजन इस पृथ्वी पर आई थी, याद रखना, भूल ना जाइएगा। डंडन आ डंडन, चलें आगे। चल, अब आगे बढ़ते हैं। अब इधर देखिए भैया, दोनों ही प्रक्रिया में बन क्या रहा है? सर, दोनों ही प्रक्रिया में प्रकाश की उपस्थिति में संश्लेषण हो रहा है। यहां भी प्रकाश की उपस्थिति में संश्लेषण हुआ भोजन का, यहां भी प्रकाश की उपस्थिति में संश्लेषण हुआ भोजन का। फर्क इतना सा था, यहां पर ऑक्सीजन मुक्त नहीं हुई थी, यहां पर ऑक्सीजन मुक्त हुई थी। फर्क क्या था जरा देखना, यहां पर हाइड्रोजन सल्फाइड लिया और यहां पर जल लिया गया। सर मतलब समझ नहीं आया, मैंने कहा आएगा, धीरे धीरे आएगा। ये ऑक्सीजन किससे प्रोड्यूस होती है? जल से। जल टूटता है तो ऑक्सीजन निकलती है, हाइड्रोजन सल्फाइड टूटेगा तो सल्फर निकलेगी, ये फर्क था, ठीक है। यानी ये जो सल्फर जीवाणु है, इन्होंने हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज में लिया था, जबकि नील हरित शैवाल ने जल को यूज में लिया था। क्यों यूज में ले रहे हैं, किस लिए यूज में ले रहे हैं, आएगा धीरे धीरे, एक एक करके चीज आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सर हमें ये बताइए, ये जो ग्लूकोज जो बनाया, इस ग्लूकोज का क्या होगा? मान लो बाहर जो पेड़ पौधे जो हैं, उन्होंने प्रकाश संश्लेषण कर दिया, प्रकाश संश्लेषण करने के बाद में वो क्या बनाएंगे? ग्लूकोज बनाएंगे। मैंने कहा बनाएंगे, इस ग्लूकोज को वो किसमें बदलते हैं? बेटा ये ग्लूकोज जो होती है, इसको बदल दिया जाता है किसमें? मंड में।
किसमें? स्टार्च में, ठीक है। और फिर इस मंड या इस स्टार्च को स्टोर कर लिया जाता है पत्तियों में, ताकि फ्यूचर में अगर प्रकाश संश्लेषण कम हुआ, मान लो प्रकाश कम मिला, मान लो मैं एक पेड़ हूं, ठीक है, मैंने प्रकाश संश्लेषण किया, हाँ किया, कहां पर? पत्तियों में, हो गया, क्या बन गया? ग्लूकोज। अब क्या करें? ग्लूकोज यूज में भी आएगा, श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज यूज में आता है, हाँ आएगा। जो बच जाएगा ग्लूकोज उसका क्या करेगा? पेड़ निकाल देगा क्या? नहीं, उसको स्टोर करेगा, उसको संचित किया जाएगा, उसको स्टोर किया जाएगा। किस रूप में? मंड के रूप में, स्टार्च के रूप में। क्यों सर? मान लो कल मेरे को प्रकाश ज्यादा नहीं मिला, फिर मेरे पास भोजन तो बना नहीं, फिर तो मेरे को भोजन को स्टोर करना पड़ेगा। तो भोजन किस रूप में स्टोर होता है? पादपों में, मंड के रूप में, स्टार्च के रूप में। यानी ये जो ग्लूकोज जो होता है ये बदल दिया जाता है किसमें? मंड, या जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्टार्च। ये भी चीज समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन नहीं था। चलें आगे, अब आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले मुझे ये बताइएगा, इस प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में क्या आपको, ध्यान से सुनना, क्या आपको कुछ रसायनों का इस्तेमाल होते हुए दिखाई दे रहा है? सोचो, क्या जल एक रसायन है? हाँ है। कार्बन डाइऑक्साइड है, शुगर, शर्करा, जल, ऑक्सीजन, ये सारे क्या है? एक रसायन है। और इस रासायनिक प्रक्रिया में प्रकाश का इस्तेमाल हो रहा है, जो एक भौतिक भाग है हमारे इस पृथ्वी का। तो जरा सोचिए, इस पूरी प्रोसेस में, और एक और तरीके से बोल सकता हूं, क्या प्रकाश संश्लेषण में रसायनों का इस्तेमाल हो रहा है? हाँ सर, हो रहा है। कहां पर हो रहा है? एक फिजिकल चीज में हो रहा है, कहां पर? पत्तियों में हो रहा है। हाँ सर, इन पत्तियों में कहां पर हो रहा है? इन पत्तियों की कोशिकाओं में हो रहा है। कोशिकाओं में कहां हो रहा है? एक अंगक होता है जिसका नाम होता है हरित लवक। नाम सुना? अभी देखेंगे। हरित लवक एक अंगक है, एक फिजिकल चीज है कि नहीं है? है ना? वायु तो नहीं है, एक फिजिकल चीज है, एक भौतिक चीज है। तो एक फिजिकल चीज के अंदर, एक भौतिक चीज के अंदर रसायनों की जो अभिक्रिया हो रही है, तो क्या मैं इस प्रकाश संश्लेषण को एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया बोलूंगा, फिजियोकेमिकल प्रोसेस बोलूंगा? यानी फिजिकल और केमिकल, यानी एक फिजिकल वस्तु के अंदर हो रहा है, एक चीज के अंदर हो रहा है। किसके अंदर हो रहा है? सर, पत्तियों की कोशिकाओं के हरित लवक में हो रहा है। तो भौतिक प्रक्रिया। रासायनिक इसलिए बोला क्योंकि रसायन इस्तेमाल हो रहे हैं। डंडना डंडन, बाकी यहां से यहां तक की लाइन फटाफट सारी जल्दी से कंप्लीट करते। क्या लिखा हुआ? कि भैया हरे पौधे अपने लिए आवश्यक भोजन का निर्माण करते हैं। बिल्कुल करते हैं। किस प्रक्रिया से? प्रकाश संश्लेषण से। इसीलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं? स्वपोषी बोलते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या है? सर ये डेफिनेशन है, याद रखना। कई बच्चे बोलते हैं सर डेफिनेशन लिखवा दो। यूं की डेफिनेशन लिखनी है, प्रकाश संश्लेषण क्या गया एरो करके? यह एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसमें कार्बनिक यौगिक यानी कार्बनिक पदार्थ यानी जिसमें हाइड्रोकार्बन की श्रृंखलाएं होंगी, जैसे ग्लूकोज एक कार्बनिक पदार्थ है, जिसमें कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण होता है। कौन से कार्बनिक यौगिक का? ग्लूकोज का संश्लेषण करने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? प्रकाश। और प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा ही तो है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा का ही तो रूप होता है। तो प्रकाशीय ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। खत्म, खल्लास, ठीक है। अतः कुल मिलाकर पृथ्वी पर रहने वाले सारे जीव ऊर्जा के लिए सूर्य के प्रकाश पर निर्भर है। अब जरा सोचिए, अगर सूर्य ना होता, लाइट ना आती, प्रकाश संश्लेषण ना होता, भोजन ना बनता, हमें ना मिलता, पादप को भी ना मिलता, हमें ना मिलता, भोजन जब बनता ही नहीं, तो जरा सोचिए कोई जीवन रह पाता इस पृथ्वी पर? नहीं रह पाता। तो जरा सोचिए, हर जीव को या तो प्रत्यक्ष रूप से, ये डायरेक्टली डिपेंडेंट है किस पे? प्रकाश पे। कि भैया प्रकाश मिलेगा तो भोजन बनेगा, ये तो सीधा प्रत्यक्ष रूप पे डिपेंडेंट है। हाँ सर, और हम नहीं डिपेंडेंट है? सोचिए, हमें भी तो भोजन चाहिए, लेकिन हम क्या सूर्य के ऊपर निर्भर है? नहीं, हम अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। कैसे? हम डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है, इनडायरेक्टली तो है ना, कि सूर्य का प्रकाश पौधे को मिलेगा, पौधों को हम खाएंगे, नहीं, पौधों के उत्पाद को हम खाएंगे, फल, फ्रूट, सब्जियां, ये जो है, ये किससे मिल रही? पादपों से नहीं मिल रही। और पादपों से ये कब मिलेंगी? जब पादप
भोजन बनाएंगे, और भोजन बनाने के लिए प्रकाश चाहिए। तो हम डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है प्रकाश पे, लेकिन इनडायरेक्टली तो है, अप्रत्यक्ष रूप से तो डिपेंडेंट है ना। तो यही चीज यहां पर लिखी हुई है, क्या कि जितने भी जीव इस पृथ्वी पर मिल रहे हैं कहीं ना कहीं ऊर्जा के लिए, एनर्जी के लिए, एनर्जी किससे मिलती है, भोजन से, कहीं ना कहीं ऊर्जा के लिए प्रकाश पर निर्भर है। बोलो डन डना डन डन, समझ में आया? एक एक लाइन का मीनिंग क्लियर है, सिंपल सा था। चलें आगे, आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां पर देखते हैं बेटा, यहां पर जो एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं किसमें, हमारे प्रकाश संश्लेषण से संबंधित कई 5 से 6 एक्सपेरिमेंट आपको यहां पर मिलने वाले हैं। अब वो कौन से एक्सपेरिमेंट हैं, आइए एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो है वो है शबलित पत्तियों का प्रयोग। क्या? शबलित पत्तियों का प्रयोग, लिख दूं यहां पर, वैसे तो लिखा हुआ है फिर भी चलो, शबलित पत्तियों का प्रयोग। सर क्या था ये शबलित पत्ती, क्या होती है शबलित पत्तियों का प्रयोग? देखिए शबलित को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वेरीगेटेड। पहली बात तो ये समझिए, शबलित का मतलब वेरीगेटेड, लिखा हुआ वेरीगेटेड या वेरीगेट पत्ती। क्या होती है सर ये वेरीगेटेड पत्ती, बहुत सिंपल तरीके से तुमको समझाता हूं दोस्त। मान ये एक पत्ती है, मान लो ये एक पत्ती है, सर हरी हरी बनाइए, लो जी हरी हरी कर देते। मान लो ये एक पत्ती है, ओके ठीक है सर जी, और ये इसकी मध्य शिरा और इससे ये निकलती हुई शिरा है, ठीक है। ओके जी, अब मैंने क्या किया, इस पत्ती के ऊपर इसको प्रकाश मिल रहा था, क्या मिल रहा था सर इसको प्रकाश मिल रहा है, क्या मिल रहा है दोस्त इसको प्रकाश मिल रहा था, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने एक कागज ले लिया और वो कागज जो था वो मैंने यहां पर लगा दिया ऐसे, इस तरीके से कागज लिया और इस पत्ती के ऊपर इस तरीके से रख दिया, काले रंग का कागज मैंने इसके ऊपर रख दिया। चलिए थोड़ा सा भाग इधर रख दिया, थोड़ा सा भाग इधर रख दिया, ठीक है इस तरीके से, थोड़ा थोड़ा भाग यहां पर इस तरीके से रख दिया, ठीक है नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब आप मुझे बताइएगा, इस तरीके से काले काले कपड़े या काला काला कागज से मैंने इसको जगह जगह से ढक दिया है, बस ऐसी पत्ती क्या कहलाती है, वेरीगेट पत्ती। तो पहले तो ये बताइए शबलित पत्ती का मीनिंग समझ में आ गया, क्लियर है? शबलित पत्ती का मतलब एक ऐसी पत्ती जिसके ऊपर प्रकाश पड़ रहा है और हमने उसके ऊपर काले रंग के क्या लिए, कागज लिए और जगह जगह से उसको ढक दिया है, ठीक। अब ढकने के बाद में क्या हुआ, हमने ढकने के बाद में क्या देखा, ध्यान से देखिएगा, हमने बाद में देखा दोस्त कि ये जो पत्ती जो थी, ये जो पत्ती जो थी, ढंग से बनाने दीजिए, ये जो पत्ती जो थी इसमें जहां जहां काले रंग का कागज रखा, इट मींस उस जगह पर प्रकाश नहीं गया पत्ती के अंदर, यही हुआ ना, इन काले 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 कागज ने प्रकाश को अवशोषित कर लिया, अंदर जाने ही नहीं दिया। भाई ये पत्ती इसके ऊपर काला कागज रख दिया तो काला कागज क्या करेगा, प्रकाश को अवशोषित कर देगा, अंदर जाने नहीं देगा। लेकिन ये वाला जो भाग जो था, यहां पर प्रकाश पड़ रहा है, हाँ सर यहां पर प्रकाश, और यहां पर अगर प्रकाश पड़ रहा है तो आप मुझे बताइएगा कहां पर मंड, कहां पर स्टार्च, कहां पर भोजन
बन रहा होगा सर इन जगहों पर, इन जगहों पर, इन जगहों पर क्या बन रहा होगा? भोजन बन रहा होगा। बाकी जहां काला काला रख दिया, जहां काला काला रख दिया इन जगहों पर, तो भोजन की हमें प्राप्ति हुई। जहां काला काला रखा वहां पर भोजन नहीं मिला। अब आप जरा सोचिए एक्सपेरिमेंट से क्या सिद्ध हुआ, क्या प्रकाश अनिवार्य है या नहीं है भोजन बनाने के लिए? जहां भोजन बन रहा है वहां प्रकाश पड़ रहा है, जहां भोजन नहीं बन रहा है वहां प्रकाश नहीं पड़ रहा है, हमने प्रकाश जाने नहीं दिया। ये बताइए, ये था सिंपल सा एक्सपेरिमेंट जिसको हम क्या बोलते हैं, शबलित पत्तियों का एक्सपेरिमेंट। ये देखिए, ये इस तरीके से पत्ती थी जिसको हमने ढक दिया है, है ना। अब जब ढक दिया है यानी जो हरे भाग थे पूरा हरी थी पत्ती, जहां जहां ढक दिया वहां वहां भोजन नहीं बना है। पढ़िए क्या लिखा हुआ, शबलित पत्तियों अथवा उस पत्ती में, शबलित पत्ती का मतलब वो पत्ती जिससे आंशिक रूप से काले कागज से ढक दिया है, यही बोला था मैंने, आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से नहीं, आंशिक रूप से जगह जगह से काले कागज से ढक दिया है। ओके जी, आगे। और प्रकाश में रखा हुआ है, ठीक है, प्रकाश में, जिससे स्टार्च यानी मंड बनने का प्रयोग किया गया। अब देखा गया भैया मंड कहां पर बन रहा है। स्टार्च के लिए इन पत्तियों के परीक्षण से यह बात प्रकट हो गई कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया सूर्य के प्रकाश में केवल हरे भाग में संपन्न होगी। वो हरा भाग जहां पर प्रकाश पड़ रहा है केवल वहीं पर ही संश्लेषण होएगा। जहां हरा भाग नहीं था, ये वाला भाग हरा वाला ढक दिया, जब ढक दिया तो यहां भोजन नहीं बना। केवल मंड कहां पर बना दोस्त, केवल यहां पर ही मंड का निर्माण हुआ है। बोलो, सिंपल सा एक्सपेरिमेंट, कोई तकलीफ इसमें? सिंपल सा था या नहीं था? इससे ज्यादा सिंपल और एक्सपेरिमेंट क्या लोगे? सिंपल सा था, क्लियर है, चले आगे। दूसरा एक्सपेरिमेंट, सेकेंड, अगला जो एक्सपेरिमेंट है इसको हम बोलते हैं हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है, आंशिक या तो अर्ध पर्ण प्रयोग बोल दीजिए, अर्ध पर्ण प्रयोग, ठीक है सर। अब ये जो अर्ध पर्ण प्रयोग जो है, इसमें वर्ड आ रहा है अर्ध पर्ण, मतलब क्या है, आइए यहां पर जो चीज लिखी हुई है इसको समझने से पहले पहले मैं खुद ही समझाता हूं, फिर देखना कैसे जबरदस्त तरीके से जो चीज लिखी हुई है समझ में आ जाएगी। भैया हमने क्या लिया, हमने एक पेड़ लिया, उस पेड़ की क्या थी दोस्त, पत्ती थी, ठीक है, और ये पत्ती को हम फिर से हरा कर देते हैं, अच्छा लगता है, पत्ती भी हरी होगी तो अच्छा, बेटर फील होएगा, ठीक है सर, ये हरी हरी पत्ती है, ठीक है। अब हमने क्या किया, ध्यान से सुनना, इस पत्ती के साथ में हमने क्या लिया, एक ग्लास लिया, ठीक है, और इस ग्लास में हमने पत्ती का ये वाला भाग जो था, भिगो दिया, डाल दिया, किसके अंदर, एक घोल के अंदर, और ये घोल जो था ये था पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का घोल, किसका घोल था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का घोल था, ठीक है जी, ओके सर, समझ में आ गया। वापस से दिखाऊं, देखो हमने एक पेड़ लिया, उसकी पत्ती ली, उस पत्ती को हमने आधा डुबोया है, इतना तो हिंदी में समझ में आता है ना, आधा डुबो दिया, आधा नहीं डुबोया, आधा किसके अंदर डुबो दिया सर, किसके अंदर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के घोल के अंदर डुबो दिया है। क्या होगा, अब ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, जो भी अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होगी उस कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है, क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। अब जरा सोचिए अंदर कौन है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और यहां पर इस
इसके अंदर, इस बीकर के अंदर क्या थी? कार्बन डाइऑक्साइड। और हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए कि नहीं चाहिए प्रकाश संश्लेषण के लिए? हाँ सर चाहिए। और सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहां पर, ये जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड थी ये सारी की सारी अवशोषित कर ली किसने? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने। अंदर नहीं रहेगी, क्या नहीं रहेगी? ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगी तो बंगड़ू दिमाग लगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए? यार अभी अभी आपने पीछे यहां पर क्या लिखा था, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। जल भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, प्रकाश भी चाहिए, वर्णक भी चाहिए। क्या करने के लिए? संश्लेषण करने के लिए, भोजन का, मंड का निर्माण करने के लिए। ग्लूकोज बनेगा तभी तो मंड बनेगा। अब आप मुझे बताइए, इस एक्सपेरिमेंट में हमने ये वाला भाग जो था पत्ती का, ये वाला पूरा भाग, आधा मतलब पूरा नहीं, आधा भाग जो था पत्ती का, ये वाला अगर अंदर भिगो दिया, डाल दिया, डुबो दिया, तो पत्ती के इस भाग में, पत्ती के ये वाले भाग में, सोचो पत्ती के इस भाग को कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी क्या? सोचो इस वाले भाग को कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि ये डूबी पड़ी है किसमें? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसने कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लिया। अब जरा सोचिए, यहां पर जो बाहर वाला जो भाग जो है, ये वाला जो वायु के संपर्क में है, सर इस वाले भाग को मिल रही है ना? इसको इस एक्सपेरिमेंट में यहां पर देखो, ये देखो इस तरीके से ये पत्ती अंदर डाल दी। हाँ डाल दी। अब ये पत्ती जब अंदर डाल दी है, चलो इसको और सिंपल तरीके से समझाते हैं। कई बार क्या है, चीज समझ में नहीं आती, ये लो, ये लो जी। सर हम एक काम करते हैं, हम एक बीकर लेते हैं, उसके अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, ठीक है? ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो अंदर पत्ती डालेंगे, ये पत्ती डाल दी, ठीक है? ओके सर। अब ये पत्ती जब हम अंदर डाल देंगे तो होएगा क्या, अंदर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड थी वो सारी की सारी खत्म हो गई है। वो सारी की सारी कहां चली गई है? अंदर। तो ये वाला भाग जो है पत्ती का, पत्ती का ये वाला भाग जो है, इस भाग को क्या नहीं मिलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी। इस भाग को जब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी तो यहां पर नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा? सर यहां पर प्रकाश संश्लेषण। भाई कार्बन डाइऑक्साइड मिली कि नहीं मिली? नहीं मिली ना, तो कहां मिली? यहां पर मिली। इस जगह पर मिल रही है कार्बन डाइऑक्साइड? बिल्कुल मिल रही है। अंदर नहीं मिल रही है, क्योंकि अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो सारी की सारी घुल गई है किसमें? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में। इस पत्ती को जब हम बाहर निकाले, इस पत्ती को जब हम बाहर निकाले तो हमें पता है क्या दिखाई दिया? इस तरीके से ये वाला भाग जो था यहां पर हमें दिखाई दिया। क्या यहां पर पता लगा हमें? क्या मिल रहा है? मंड मिल रहा है, और यहां पर मंड नहीं मिल रहा था। ये वाला जो क्षेत्र जो था, ये वाला क्षेत्र जो अंदर डाला गया था, हाफ लीफ थी, आधा भाग था लीफ का। आप बोलेंगे सर आधा तो नहीं है, इतना भी नहीं, मतलब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में ये पत्ती का आधा भाग अंदर डाल दिया, जो अंदर डाला वहां पर क्या लिखा हुआ है? नो स्टार्च। स्टार्च नहीं मिला, मंड नहीं मिला है। तो कहां पर मिला है मंड? बाहर वाले भाग में मिला है। क्यों? क्योंकि बाहर कार्बन डाइऑक्साइड थी, अंदर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड थी वो सारी की सारी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने क्या कर ली है? अवशोषित कर ली, अब्सॉर्ब कर ली, खत्म। इतने सी बात थी। तो सर इसको अर्धपर्ण प्रयोग क्यों बोला, हाफ लीफ क्यों बोला? क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में आधी लीफ को डाला जा रहा है। आधी लीफ अंदर डाली, आधी बाहर थी। जो अंदर डाली उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिली, नहीं मिली तो वहां मंड नहीं बना। जो आधा भाग बाहर था उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिली, तो जहां जहां अंदर ये वाला भाग डाला गया यहां नो स्टार्च, जो बाहर वाला था वहां कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, स्टार्च बन रहा है, खत्म। पढ़ लीजिए। एक पत्ती का आंशिक भाग परख नली के अंदर रखा होगा और इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से भीगी हुई रुई भी रखी होगी। चलो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दिया या एक रुई रख दी है जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से भीगी हुई है, ठीक है? जो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेगी? अवशोषित कर लेती है। जबकि शेष भाग को प्रकाश में रहने दिया, पत्ती का शेष भाग जो है वो प्रकाश में रहने दिया है और आधा भाग अंदर डाल दिया है। इसके बाद इस उपकरण को कुछ समय के लिए धूप में रख दिया। चलिए धूप में रख दिया। इस परीक्षण से आपको पता लगेगा कि पत्ती का जो भाग परख नली में था, पत्ती का वो भाग जो परख नली के अंदर है, उसमें स्टार्च की पुष्टि नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो है नहीं।
और जो प्रकाश में था उसमें स्टार्च की पुष्टि हो गई है। अब इस प्रयोग से क्या सिद्ध हुआ? इस प्रयोग से यह सिद्ध हुआ कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है कि नहीं है। यस भाई, इस प्रयोग से यह पता लगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है, और इस प्रयोग से यह पता लगा कि भैया हरे भाग की आवश्यकता है। हरा भाग जो होगा, ये वाला भाग जो हरा भाग है, वहीं पर क्या होएगा? प्रकाश संश्लेषण। जहां जहां हरे भाग को ढक दिया वहां प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ। इन दोनों एक्सपेरिमेंट से फाइनली हमें यह पता लग गया, एक तो हरे भाग की जरूरत है और कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है। बताइए, दो एक्सपेरिमेंट डंडना डंडन, कोई तकलीफ? चले आगे, आइए तीसरा एक्सपेरिमेंट पढ़े। आइए, अब तीसरे एक्सपेरिमेंट में अब वैज्ञानिकों का नाम याद रखना है। तीसरा जो एक्सपेरिमेंट है उसमें आपको वैज्ञानिक का नाम याद रखना है, जोसेफ प्रिस्टले। जी हां, वैज्ञानिक का नाम पूर्ण रूप से याद रखना है, जोसेफ प्रिस्टले। जोसेफ प्रिस्टले, ठीक है। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था बेटा, उस एक्सपेरिमेंट का नाम हमारी एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, मैं उस एक्सपेरिमेंट का नाम बता देता हूं। जो एक्सपेरिमेंट था इसको हम बोलते हैं बेल जार एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं? बेल जार एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब सर ये बेल जार एक्सपेरिमेंट क्या होता है, आइए पढ़ते हैं। इस बेल जार एक्सपेरिमेंट में हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा बेटा। देखिए, इस एक्सपेरिमेंट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर बेल वर्ड लिखा हुआ है। हां सर, घंटा, समझ में आता है ना? चल, अब आप मुझे बताइएगा, जार का मतलब भी आपको समझ में आता है? जार, जार अच्छे से समझ में आता है। ये कांच का ग्लास है, इसको हमने जार बोला। और ये जार किस रूप में है? घंटे के रूप में होता है ना, जैसे मंदिरों में घंटा बजाते, बिल्कुल वैसे ही है? तो साहब ये एक जार है और ये बेल के रूप में, घंटी के रूप में, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? बेल जार बोलते हैं। पहली चीज तो ये समझ में आ गई। अब इस बेल जार एक्सपेरिमेंट में करने क्या वाले हैं? हमने क्या किया, हमने नहीं, प्रिस्टले ने क्या किया था, इन्होंने जोसेफ प्रिस्टले 1770 में किया था। वर्ष भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रयोग किया था। 1770 में प्रयोग किया, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला वर्ष है, 1774। क्या किया अभी बताते हैं, पहले देखते हैं इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया। देखिए, इन्होंने ये बेल जार लिया और सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन में इन्होंने क्या किया, फर्स्ट कंडीशन में इन्होंने एक मोमबत्ती ली जो जल रही थी, ठीक है, उसके जो जल रही थी। अब आप अच्छे तरीके से जानते हैं जलने के लिए, कंबशन जिसको हम बोलते हैं, ज्वलनशीलता के लिए क्या चाहिए होती है? ऑक्सीजन चाहिए होती है, ऑक्सीजन, याद रखना। जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। अरे सर कैसी बात कर रहे, केमिस्ट्री हम जानते हैं। इस मोमबत्ती के ऊपर रख दिया ये बेल जार, इस मोमबत्ती के ऊपर क्या रख दिया, ये बेल जार रख। अब आप मुझे बताइएगा, जैसे इस मोमबत्ती के ऊपर, जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर बेल जार रख देंगे, अब बाहर वायु से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो जितनी ऑक्सीजन है वो यूज में आ जाएगी, और जब ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो ये मोमबत्ती बुझ जाएगी कि नहीं बुझ जाएगी? यस, ये मोमबत्ती बुझ जाएगी। ये मोमबत्ती बुझ गई, ठीक है, डन, क्लियर है, ठीक है सर। सेकेंड एक्सपेरिमेंट, दूसरे चरण में इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक चूहा लिया, मेरा चूहा ऐसे ही बनता है बेटा, ये इन्होंने चूहा ले लिया है, ठीक है। चूहा है, जीव है, और ये चूहा जो है श्वसन करता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, हाँ। इन्होंने क्या किया, इस बेल जार को इसके ढक दिया, बेल जार के अंदर डाल दिया, किसको? चूहे को, ठीक है। अब जितनी अंदर ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन यूज में ले रहा है चूहा, हाँ ले रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो चूहा भी धड़म खत्म, मर जाएगा। हाँ सर, ये भी मर गया, ये लो सर, मर गया, ठीक है, ओके। अब तीसरी कंडीशन में इन्होंने क्या किया, ध्यान से देखिएगा, तीसरी कंडीशन में यहां पर बनाते हैं, तीसरी कंडीशन में इन्होंने क्या किया, मोमबत्ती तो ली,
जलती हुई, चूहा भी लिया बुझता हुआ जिंदा, मैं कह रहा हूं बुझता हुआ, चूहा भी ले लिया, जलती हुई मोमबत्ती भी ले ली और एक पादप ले लिया, और एक क्या ले लिया, पादप ले लिया। अब ना ज्यादातर लोग क्या पढ़ते हैं, पादप लिया, लेकिन ये भूल जाते कौन सा पादप लिया। ये याद रखना, प्रिस्टले ने जो यहां पर पादप लिया था, अंग्रेजी में बोलते हैं उस पादप को मिंट, हिंदी में बोलते हैं पुदीना। पुदीने का पादप यहां पर लिया। जब ये इन्होंने किया, पुदीने का पादप भी ले लिया, चूहा भी ले लिया, जलती हुई मोमबत्ती भी ले ली, तो क्या देखा उन्होंने, क्या पाया कि मोमबत्ती भी जलती रह गई, चूहा भी जिंदा रह गया और पादप भी जिंदा है। आखिर ऐसा क्या हुआ, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, हाँ, इसको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, हाँ, और ये जो है प्रकाश पड़ रहा था यहां पर, ये क्या कर रहा होगा, सर ये कर रहा है प्रकाश संश्लेषण, जिससे मुक्त हो रही है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मिल रही है इसको भी, ऑक्सीजन मिल रही है इसको भी जलने के लिए, ये दोनों तो ठीक है। बदले में जरा सोचिए, जब कोई चीज जलती है तो धुआं निकलता है, उस धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती, होती है। ये जिंदा है, श्वसन करेगा, श्वसन करके क्या निकालते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी क्या निकाल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्त इन्होंने क्या निकाला, सर कार्बन डाइऑक्साइड, इसने क्या निकाला, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड किसको मिल गई, पादप को। तो पादप को इन दोनों से क्या मिल गई, कार्बन डाइऑक्साइड, बदले में इसने क्या निकाल दी, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किसको मिल गई है, इसको भी, इसको भी। तो चलिए तीनों के तीनों मस्त है। ये था बेलजार एक्सपेरिमेंट। अब कई बच्चे पता है बड़े ऊटपटांग प्रश्न पूछते हैं, सर जी ये चूहा अंदर मोमबत्ती से जल नहीं जाएगा क्या। रे बांगड़ू, हमको क्या पता प्रिस्टले ने कैसे किया, हम ये जानते हैं कि बुक में प्रिस्टले ने ऐसा ही बोला है, मतलब उसने जब एक्सपेरिमेंट किया तो मान लेते, वो आपने देखे होंगे ना सफेद वाले चूहे, या बेल जार जो था थोड़ा बड़ा ले लिया, इतना बड़ा बेल जार ले लिया चूहे के लिए, थोड़ी सी जगह वहां पर इस तरीके से क्लोज कर दी कि भैया चूहा केवल यहां से यहां तक जा पाएगा। ऐसे उठपटांग प्रश्न ना पूछिएगा दोस्त, बिल्कुल भी, है ना, थोड़ा लॉजिकल प्रश्न भी होने चाहिए, ठीक है। सो ये था बेल जार एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट से हुआ क्या, इस एक्सपेरिमेंट से जोसेफ प्रिस्टले ने 1774 में, देखिए ये एक्सपेरिमेंट उसने 1770 में स्टार्ट किया, लेकिन उसने निष्कर्ष जो है 1774 में ये बताया, सर इस एक्सपेरिमेंट को 4 साल लग गए, नहीं हो गया था, रिसर्च चल रही थी, आज की कहानी नहीं है, लगभग 200-250 साल पुरानी कहानी है, तो कहीं ना कहीं माध्यम जो थे कम होते थे ना साइंटिफिक रिसर्च के लिए, तो लगभग 4 साल बाद उन्होंने ये बताया जोसेफ प्रिस्टले ने कि भैया जिस वायु के कारण शुद्धता बनी हुई है, ध्यान से सुनना, उन्होंने क्या बोला, ये जो पेड़ जो है ये वातावरण को शुद्ध कर रहा है। सोचिए, वातावरण को शुद्ध का मतलब वातावरण में ऑक्सीजन दे रहा है। सोचिए, मैं जिस रूम में हूं अगर यहां पर ऑक्सीजन नहीं होगी, मैं क्या बोलूंगा, वातावरण शुद्ध नहीं है, यही बोलूंगा ना, है ना, यही बोलूंगा। तो जरा सोचिए, ये नहीं बोलूंगा इस पौधीने के पेड़ ने, इस पादप ने वातावरण को शुद्ध कर दिया। कैसे शुद्ध कर दिया, ऑक्सीजन उत्पन्न करके। तो ऑक्सीजन की खोज आपसे कोई पूछे किस वैज्ञानिक ने करी थी, तो याद रखना ऑक्सीजन की खोज किसने करी थी, जोसेफ प्रिस्टले ने करी थी। पढ़िए इसको, प्रिस्टले ने 1774 में लिखा हुआ है, ऑक्सीजन की खोज करी थी, बोलिए, ठीक है। दूसरा, 1770 में बहुत से प्रयोग किए गए जिनसे पता लगा कि हरे पौधे की वृद्धि में हवा की भूमिका बहुत ही अनिवार्य है। जरा सोचिए, हवा जरूरी है कि नहीं है, प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत जरूरी है। 1774 में प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज कर दी, बिल्कुल कर दी। प्रिस्टले ने क्या देखा, वो आपने पढ़ लिया, एक बार फटाफट देखते। प्रिस्टले ने देखा कि एक बंद स्थान, जैसे कि एक बेल जार, ये बेल जार था, में जलने वाली मोमबत्ती जल्दी ही बुझ जाती है, हाँ बुझ गई थी। इसी प्रकार किसी चूहे को सीमित स्थान में जल्दी ही दम घुट जाता है, हाँ जी चूहा भी मर गया, मोमबत्ती भी बुझ गई है, ठीक है। लेकिन जब उसने उसी बेल जार में एक पुदीने का पेड़ डाला, क्या डाला, पुदीना, जब यहां पर डाला
क्या डाला बेटा यहां पर, पुदीना जब यहां पर डाला, ठीक है, तो क्या मिल, क्या मिला उसको, उन्होंने क्या डाला, याद रखना कौन सा पादप लिया था, भूल ना जाना कौन सा पुदीना इस्तेमाल किया था, कहां से प्रश्न उठ जाए नीट में कुछ आइडिया नहीं, एक एक बिंदु याद रखना। पुदीना जब उसने रखा तो क्या पाया कि चूहा भी जिंदा है और मोमबत्ती भी जल रही है। अब इस आधार पर प्रिस्टले ने क्या बताया, इस लाइन को पढ़ो, प्रिस्टले ने ये करने के बाद में क्या बोला, पौधे उस वायु की क्षतिपूर्ति करते हैं जिन्हें सांस लेने वाले प्राणी और जलती हुई मोमबत्ती कम कर देती है। मतलब कि ये फिर से पढ़ देख, जलती हुई मोमबत्ती और प्राणी वायु में किसी चीज को कम कर रहे थे, पढ़ो इसको क्या लिखा हुआ है, सांस लेने वाले प्राणी यानी चूहा जलती हुई मोमबत्ती कम कर रहे थे, किसको कम कर रहे थे वायु में, ऑक्सीजन को, है ना, खींचते जा रहे थे जलने के लिए ऑक्सीजन, जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन कम करते जा रहे थे, हाँ करते जा रहे थे, प्रिस्टले ने बोला। लेकिन प्रिस्टले ने बताया कि जिस चीज को वो दोनों कम कर रहे थे ना, उसकी क्षतिपूर्ति कौन कर रहा था, पौधा कर रहा था। अब पढ़, पौधा उस वायु की क्षतिपूर्ति कर रहा था, यानी पौधा ऑक्सीजन दे रहा था जिसे सांस लेने वाला प्राणी और जलती हुई मोमबत्ती क्या कर रहे थे, कम कर रहे थे। ये था प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट। बोलो डंडन डंडन, क्लियर है, तीसरा एक्सपेरिमेंट प्रकाश संश्लेषण से संबंधित समझ में आ गया। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता लगा, वायु अनिवार्य है, पहले एक्सपेरिमेंट से क्या पता लगा, हरा भाग अनिवार्य है, दूसरे से क्या पता लगा, कार्बन डाइऑक्साइड अनिवार्य है, इससे क्या पता लगा, वायु अनिवार्य है। डन, क्लियर, चले, वायु अनिवार्य है, चले आगे बढ़ते हैं। चौथा एक्सपेरिमेंट जब अब आ रहा है, उसमें जो वैज्ञानिक है उसका नाम है इंजन हॉज, जॉन इंजन हॉज, सर हिंदी में लिखिए, ये देख लिखा हुआ है, जॉन इंजन हॉज बोल देते या हाउज बोल देते, जॉन इंजन हाउज, इंजन हाउज, ठीक है। अब साहब इसने क्या किया, अब इसने ना प्रिस्टले का वो जो एक्सपेरिमेंट था ना ये वाला, इस एक्सपेरिमेंट में कुछ चेंजेस किए, क्या किए देखिए क्या लिखा है, जॉन इंजन हॉज ने प्रिस्टले द्वारा निर्मित जैसे सेटअप, यानी ये जो सेटअप जो था, ये जो इन्होंने बनाया था, ये वाली चीज जो इन्होंने करी प्रिस्टले ने, उस सेटअप का उपयोग किया जिसमें उसने एक बार अंधेरे में और फिर एक बार सूर्य की रोशनी में रखा। इंजन हॉज बोल रहे हैं, ठीक है प्रिस्टले, तूने तो सीधा सूर्य के प्रकाश में रखा है, मैं एक काम करता हूं, मैं एक बार अंधेरे में रखता हूं, एक बार उजाले में रखता हूं, किसको, पौधे को। पौधे की इस प्रक्रिया में सूर्य का प्रकाश अनिवार्य है। ओहो, इंजन हॉज ने अपने इस परिष्कृत प्रयोग में एक जलीय पौधे के साथ यह दिखाया कि तेज धूप में पौधे के हरे भाग के आसपास छोटे बुलबुले बन जाते हैं, जबकि अंधेरे में रखे गए पौधे के आसपास बुलबुले नहीं बन रहे। बुलबुलों की पहचान ऑक्सीजन के रूप में, अतः उसने यह दिखा दिया कि पौधे का केवल हरा भाग ही ऑक्सीजन को छोड़ता है। आप बोले कुछ समझ में नहीं आया, देख बहुत सिंपल सी काम करा है इंजन हॉज ने, बिल्कुल सेम टू सेम, इंजन हॉज ने बिल्कुल सेम टू सेम एक जार लिया, की बार बेल जार नहीं बोल रहा हम, सिंपल जार बोल रहे हैं, बिल्कुल वही सेटअप जो प्रिस्टले ने किया। क्या लिया प्रिस्टले ने, क्या लिया था, पादप लिया था, इसने भी ले लिया पादप, चलो सर इसने भी क्या ले लिया, पादप ले लिया, किसने, नाम क्या है, इंजन हॉज, ठीक है, नाम याद रखना, इंजन से याद रखना, इंजन हॉज, ठीक है। एक बार इसने क्या किया सर, एक बार तो इसने पौधे को किस में रखा, प्रकाश में, और एक बार इसने पौधे को किस में रखा, अंधेरे में। मान लो ये फर्स्ट कंडीशन थी जिसमें प्रकाश में रखा गया और यहां पर अंधेरे में रखा गया, ठीक है, सिंपल। पौधे को नीचे जल भी दिया गया, भाई जल नहीं दोगे क्या, हाँ सर, ठीक है। अब देखिए उन्होंने क्या पाया, जब प्रकाश में रखा गया, प्रकाश में रखा गया तो आप जानते हैं प्रकाश में रखेंगे तो क्या होएगा दोस्त, प्रकाश संश्लेषण होएगा, और प्रकाश संश्लेषण होएगा
तो भोजन बनेगा, ठीक है, भोजन बनेगा, और भोजन के साथ साथ ऑक्सीजन नहीं निकलेगी, निकलेगी ना, निकलेगी ना भाई। प्रिस्टले ने बोला कि भैया ये पौधा कुछ ना कुछ ऐसा उत्पन्न कर रहा है जो वायु को शुद्ध कर रहा है। प्रिस्टले से पूछा गया क्या, उसने बोला ऑक्सीजन। ठीक है, अब इंजन हॉज ने कहा मैं भी कुछ करामात दिखाता हूं। उसने भी यही कार्य किया, उसने भी एक जार लिया, उसमें पौधे को रखा, लेकिन उसने जब प्रकाश में रखा तो ऑक्सीजन निकली। किस रूप में? सर ऑक्सीजन निकली बुलबुलों के रूप में। कहां से निकली? ये बुलबुले निकल रहे थे कहां पर? प्रकाश की उपस्थिति में बुलबुले निकल रहे, और इन बुलबुलों में क्या है? ऑक्सीजन है। जबकि अंधेरे में कोई बुलबुला नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि दोस्त अंधेरे में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, और प्रकाश संश्लेषण नहीं होएगा तो ऑक्सीजन नहीं निकलेगी। ऑक्सीजन नहीं निकलेगी तो सीधी सी बात है कोई बुलबुला नहीं निकला। यहां पर बुलबुले निकल गए, और अगर यहां पर बुलबुले निकल रहे और उन बुलबुलों की पुष्टि करी, पता लगा भैया ये बुलबुले किसके हैं? ऑक्सीजन के। और कहां से निकल रहे हैं? सर ये निकल रहे थे पौधे के हरे भाग से। अब आप मुझे बताइए, तुलना करो, आराम से पढ़ा रहा हूं, सोचिए, भगाया क्या मैंने? नहीं, आराम से पढ़ा रहा हूं। तुलना करो, सोचो, इस एक्सपेरिमेंट में, प्रिस्टले के एक्सपेरिमेंट, प्रिस्टले ने बोला कि भैया पौधा जो है ना वायु को साफ कर रहा है, शुद्ध कर रहा है। क्या निकालकर? ऑक्सीजन निकालकर। उसे पूछा गया कैसे शुद्ध कर रहा है, उसने बोला ऑक्सीजन निकालकर। तो ऑक्सीजन की खोज किसने कर दी? प्रिस्टले ने। इंजन हॉज ने बोला ठीक है मैं भी कुछ करामात करता हूं। उसने क्या किया? उसने भी पुष्टि कर दी कि भैया ऑक्सीजन निकल रही है। कहां से निकल रही है? ये उसने एक्स्ट्रा बताया। कहां से निकल रही है? हरे भाग से निकल रही है, ये एक्स्ट्रा चीज बताई उसने। ऑक्सीजन कहां से निकलेगी? हरे भाग से। बताइए अभी तक किसी साइंटिस्ट ने ऐसा बताया क्या? पहले एक्सपेरिमेंट में, दूसरे या तीसरे एक्सपेरिमेंट में, अब तक जो हमने तीन एक्सपेरिमेंट पढ़े, क्या उसमें यह पता लगा कि हरा भाग ऑक्सीजन निकालता? नहीं, पहले एक्सपेरिमेंट में पता लगा हरा भाग भोजन बनाता है। दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या पता लगा? कि जो भाग जिसको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी वो भोजन बनाएगा। तीसरे एक्सपेरिमेंट में, प्रिस्टले के एक्सपेरिमेंट में क्या पता लगा? कि सर केवल और केवल पौधा जो है वो वायु को शुद्ध कर रहा है। क्या निकाल कर? ऑक्सीजन निकाल कर। इसने ये बताया कि पौधे का हरा भाग ऑक्सीजन निकाल रहा है, तो प्रिस्टले के एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई करके बताया ना। प्रिस्टले ने बोला हरा भाग, प्रिस्टले ने बोला पादप जो है वो ऑक्सीजन निकालता है, वायु को शुद्ध करता है। वो वायु जो खराब कर रहे थे कौन? चूहा और मोमबत्ती, ऑक्सीजन को कम करते जा रहे थे, उसको साफ किया, उसकी क्षतिपूर्ति करी। क्या निकाल कर? ऑक्सीजन। लेकिन इसने बताया इंजन हॉज ने कि भैया ये ऑक्सीजन जो बुलबुले के रूप में निकल रही है, कहां से निकल रही है? हरे भाग से निकल रही है, और वो भी कब निकलेगी? प्रकाश की उपस्थिति में। अंधेरे में कोई बुलबुला नहीं है, हरा भाग कोई बुलबुला नहीं बना रहा। बोलो स्वाहा, समझ में आया? क्लियर? पढ़ लीजिए, आइए। इंजन हॉज की बात कर रहे थे, क्या किया उसने? बिल्कुल वैसा ही सेटअप किया, जारवार लिया और उसके अंदर एक बार अंधेरे में, फिर एक बार उजाले में रखा। किसको? पादप को। ठीक है, सूर्य का प्रकाश जो है वो अनिवार्य, आप जानते प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश अनिवार्य, बिल्कुल है। आगे पढ़ते क्या लिखा? इंजन हॉज ने अपने इस प्रयोग में एक जलीय पौधे के साथ यह दिखाया। एक पौधा कौन सा लिया? जलीय लिया। यहां पर प्रिस्टले ने कौन सा लिया था? पुदीना, जलीय नहीं। इसने जो पादप लिया वो जलीय लिया, ये नहीं बताया कौन सा लिया। सिंपल, जितना है उतना ही याद रखना है। यहां पर उन्होंने एक पौधा लिया जो जलीय था। ठीक है, अब ये जो जलीय पौधा था, इसलिए देखो मैंने यहां पर जान पूछ के नीचे जल बनाया नहीं बनाया, बताया नहीं बताया? हाँ सर, जल बताया, तभी तो बुलबुले निकलेंगे ना दोस्त, हवा में थोड़ा ना बुलबुले निकलेंगे। तो क्या लिया? जलीय पौधा लिया, और तेज धूप में पौधे के हरे भाग के आसपास छोटे छोटे बुलबुले बन गए, जो अंधेरे में रखे गए पादप के आसपास नहीं बने। डन, बुलबुलों की पहचान ऑक्सीजन के रूप में हो गई है। चलो, तो इससे यह पता लगा कि बुलबुले कब बनेंगे? प्रकाश की उपस्थिति में, अंधेरे में नहीं बनेंगे। और वो बुलबुले में क्या है? ऑक्सीजन। और कहां से निकल रहे हैं? उसने यह दिखा दिया कि पौधे का केवल हरा भाग ही ऑक्सीजन छोड़ता है, केवल हरा भाग ही ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। दोस्त समझ में आ गया? क्लियर है? ये था चौथा एक्सपेरिमेंट। आगे बढ़ते हैं बेटा, यहां पर नेक्स्ट पांचवा जो एक्सपेरिमेंट है वो है जूलियस वॉन सेचेस का।
जूलियस वॉन सैच, बहुत इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक है, नाम याद रखना बेटा, भूल मत जाना, जूलियस वॉन सैच। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत सीधी सीधी बात बता दी, देख बहुत सीधा सीधा बता दिया। अब ये वाली चीज आप आसानी से समझेंगे, देखो क्या बोला जूलियस वॉन सैच ने, यह प्रमाण दिया कि जब पौधा वृद्धि करता है तब ग्लूकोज बनती है। हाँ भाई, एक पेड़ अगर वृद्धि करेगा, एक पेड़ अगर वृद्धि कर रहा है तो वृद्धि कैसे करेगा, उसके पास ऊर्जा होगी, उसके पास भोजन होएगा और भोजन किस रूप में बनेगा, ग्लूकोज। तो पौधा वृद्धि कब करेगा, जब उसके अंदर क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। साफ साफ लाइन है, समझ में आ गई, ठीक है। ग्लूकोज स्टार्च के रूप में संचित होता है, मैंने आपको बता दिया ग्लूकोज किस रूप में संचित होता है, स्टार्च। डन डना डंडन, ये पहला बिंदु क्लियर। जूलियस वॉन सैचेस ने बोला कि भैया एक पेड़ अगर वृद्धि करेगा तो कब करेगा, जब उसके अंदर भोजन होगा, भोजन किस रूप में, स्टार्च के, भोजन किस रूप में, ग्लूकोज। और ग्लूकोज किस में बदल जाता है, स्टोर किस में होता है, स्टार्च के रूप में, मंड के रूप में, ठीक है सर। आगे उसके बाद के अध्ययनों से यह पता लगा कि पौधे का हरा पदार्थ, पौधे के अंदर पत्तियों में जो हरा पदार्थ होता है, जो एक वर्णक होता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल, होता है ना, जानते हैं ना, जिसको हम पर्ण हरित भी बोलते हैं, क्लोरोफिल को क्या बोलते हैं, पर्ण हरित बोलते हैं। वो किस में मिलता है, कोशिकाओं में मिलता है। कोशिकाओं में कहां पर मिलता है, एक कोशिकांग में मिलता है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। दोस्त ये हम पढ़ चुके हैं, कोशिका वाला चैप्टर याद आ रहा है, याद कर, कोशिका वाले चैप्टर में कहीं तुमको कोशिकांग याद आ रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, अंतःप्रद्रव्य जालिका, गोल्जिकाए, लयनकाए, लाइसोसोम, रसधानी, ये सारी चीजें याद आ रही है। क्या तुमको हरित लवक याद नहीं आ रहा, याद आ रहा है, दिखाऊं कुछ ऐसा हरित लवक याद आ रहा है, ये याद आ रहा है, कुछ ऐसा हरित लवक बताया था, ये याद आ रहा है। तो जरा सोचिए, इसी हरित लवक में, ये हरित लवक कहां पर मिल रहा है दोस्त, ये कोशिका, इस कोशिका के अंदर कौन मिल रहा है, हरित लवक, है ना, याद आ रही है ऐसी संरचना, पढ़ेंगे इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे। याद आ रहा है, ये हरित लवक है, दोहरी झिल्ली से युक्त हरित लवक, हाँ सर, और ये दोहरी झिल्ली से युक्त जो हरित लवक है, ये दोहरी झिल्ली से युक्त जो हरित लवक है कोशिका में मिल रहा है, हाँ सर, मान लो ये केंद्र के छोटा सा, सिर्फ समझाने के लिए, ये जो हरित लवक है, इसी हरित लवक के अंदर क्या मिलता है, एक वर्णक, एक पिगमेंट जिसका नाम है क्लोरोफिल। कहां मिलता है, कैसे मिलता है, किस तरीके से मिलता है, वो सारी चीजें हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे, है ना, जब हम इसकी संरचना देखेंगे तो वहां पर डिटेल में समझाऊंगा। अभी सिर्फ इतना सा कि यहां पर ये जो संरचनाएं होती हैं, इनको हम बोलते हैं थायलेकोइड। ये एक होता है थायलेकोइड, ऐसा एक और थायलेकोइड, एक और, एक और, एक और, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। इन थायलेकोइड की झिल्लियों के अंदर होता है क्या, क्लोरोफिल, पर्ण हरित। कई बुक में हरित पर्ण लिख दिया जाता है, कई बुक में पर्ण हरित लिख दिया जाता है, बात एक ही है, क्लोरोफिल बोल दीजिए। तो क्लोरोफिल एक वर्णक है, हरा वर्णक है, जो किसके अंदर मिल रहा था, एक कोशिकांग जिसका नाम हरित लवक है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट हरित लवक, ये एक अंगक है जिसके अंदर क्लोरोफिल मिलता है। ये चीज यहां पर लिखी हुई थी दोस्त, कहां पर, यहां पर, ठीक है। उसने, उसका काम सिर्फ इतना ही था, जूलियस वॉन सैच ने सिर्फ इतना बताया, क्या, कि जूलियस वॉन सैच ने ये प्रमाण दे दिया कि भैया पौधे अगर वृद्धि कर रहे हैं तो इट मींस उनके अंदर क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, और वो ग्लूकोज किस रूप में स्टोर हो रहा है, स्टार्च के रूप में। बस इतनी सी बात बताई है उन्होंने, इतनी सी बात उन्होंने बताई है। उसके बाद में जो और अध्ययन हुए हैं, यानी इनके अध्ययनों के बाद में और जो स्टडी हुई है, उससे ये पता लगा, देखो लिखा हो रहा, उसके बाद के अध्ययनों से यह पता लगा कि पौधे का जो हरा भाग है ना, हरा भाग जो है वो किसके कारण है, एक हरे पदार्थ के कारण जिसका नाम क्लोरोफिल है। और ये क्लोरोफिल जो है ये कहां पर मिल रहा है, क्लोरोप्लास्ट में मिल रहा है, हरित लवक में मिल रहा है, ठीक है। डंडना डंडन, क्लियर है। तो उसने ये बताया कि पौधे के हरे भाग में ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज स्टार्च में बदलता है। आप बोलेंगे सर कुछ समझ में नहीं है, दोस्त सोच, मैं हूं जूलियस वॉन सैच, ठीक है, और मैं तुमसे एक चीज बोल रहा हूं, मैं एक वैज्ञानिक हूं, मैंने तुमसे बोला कि भाई सुनो, पौधे का पत्तियां जो होती है ना वो हरी होती है,
तना नहीं है, ठीक है। और पौधे की अगर वृद्धि करानी है तो भोजन की आवश्यकता है, और भोजन किस रूप में बनता है, ग्लूकोज के रूप में, इसने बताया। वो ग्लूकोज किस में बदलती है, स्टार्च में बदलती है, इसने बता दिया। और ये ग्लूकोज और स्टार्च कहां पर मिलता है, पौधे के हरे भाग में मिलता है, और हरा भाग कौन है, पत्ती है। इस पत्ती के अंदर कहां पर मिलता है, हरित हरित लवक में, जहां पर क्या मिल रहा है, एक वर्णक जिसका नाम है क्लोरोफिल। डन, क्लियर, समझ में आ गया। ये था इंजन हॉच, सॉरी ये था हमारा जूलियस वॉन सेचस, ठीक है। चल अब आगे बढ़ते हैं। छठा जो है वो है एंजेलमान, छठा जो वैज्ञानिक है वो है एंजेलमान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। आइए अब इसने क्या किया, इससे नीट 2021 में भी प्रश्न आया है, नीट 2021 में प्रश्न आया है, ध्यान से सुनना। मैं जान पूछ के हाईलाइट कर आया हूं, ध्यान से सुनना। क्लेडोफोरा, एक वर्ड दिख रहा है आपको, हां सर, ये एक हरी शैवाल है, याद रखना ये क्या है, एक हरी शैवाल है। कौन, क्लेडोफोरा। इसका इस्तेमाल किया था किसने, इन्होंने, इनका नाम है एंजेलमान। क्या नाम है, एंजेलमान, 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 सलमान नहीं, एंजेलमान, ठीक है। तो एंजेलमान ने क्या किया, अब हम देखते हैं। इन्होंने, इतना समझ में आ गया, इन्होंने एक हरी शैवाल यूज में लिया जिसका नाम है क्लेडोफोरा, और साथ साथ ऑक्सीबैक्टीरिया का भी यूज लिया, यानी इन्होंने दो प्रकार के जीवों का इस्तेमाल किया। एक तो कौन, हरी शैवाल, कौन, क्लेडोफोरा, और बैक्टीरिया, कौन से, ऑक्सी, ऑक्सी का मतलब ऐसे जीवाणु जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में काम करेंगे, ठीक है। इतनी सी बात समझे। अब इन्होंने किया क्या, अब इधर देखिए, आप में से कितने बच्चों ने प्रिज्म देखा है, प्रिज्म देखा है, बताइए आप में से कितने बच्चों ने प्रिज्म देखा है। ये आपके स्कूल में फिजिक्स के जब प्रैक्टिकल हुआ करते होंगे तो शायद आपने ये जरूर देखा होगा, प्रिज्म। अरे फिजिक्स में भी पढ़ा होता है, प्रिज्म के ऊपर जब आप डालते हैं प्रकाश तो प्रकाश क्या हो जाता है, बट जाता है, अलग अलग रंगों में बट जाता है। हाँ सर, आइए हम देखते हैं। देखिए ये था प्रिज्म, ठीक है। इस प्रिज्म पर डाली गई क्या, लाइट, और ये लाइट जो है ये बट गई है रंगों में, अलग अलग रंगों में, ठीक है। और वो आप जानते हैं, वी आई बी जी वाई ओ, वी आई बी जी वाई ओ आर, ठीक है। विबग्योर, सभी ने नाम सुना है, ठीक है। यानी यहां पर वॉयलेट कलर, यानी बैंगनी कलर, मेरे पास है तो नहीं, कैसे बनाओ, चलो ये वाला बैंगनी, ये वाला बैंगनी मान लेते हैं, ठीक है। इंडिगो भी नहीं है मेरे पास, मैक्सिमम जो हम जो मेन कलर लेने वाले हैं वो वही कलर लेते हैं ना दोस्त। तो ये कौन था, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, मेन हमको क्या लेना, ब्लू लेना है, ये ब्लू रंग का, और रेड, ठीक है। तो लाल रंग और नीला रंग जो है, ठीक है, लाल और नीला, लाल और नीला रंग जहां पर दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, ये ब्लू और ये रेड, ब्लू और रेड, ठीक है। अब क्या किया इन्होंने, जहां पर नीला और लाल रंग है, इन्होंने क्या किया, एक हरी शैवाल को हर जगह डाला,
हरी शैवाल जो थी कौन, क्लैडोफोरा, ये हरी शैवाल। हरी शैवाल को ये वाला रंग भी दिया, 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 ये वाला रंग भी दिया और ये वाला रंग भी दिया, है ना। समझना, आराम से समझना। क्लैडोफोरा हरी शैवाल को वॉयलेट रंग भी दिया, इंडिगो भी दिया, ब्लू भी दिया, ग्रीन भी दिया, येलो भी दिया, ऑरेंज भी दिया, रेड भी दिया। सात के सात रंग जो है यहां पर दिए गए किसको, क्लैडोफोरा को। क्लैडोफोरा कौन, हमारी हरी शैवाल। ठीक है सर, दे दिया। अब क्लैडोफोरा जो है ज्यादा से ज्यादा यहां पर एकत्रित हो रही थी, इधर और यहां पर बहुत ज्यादा, यानी सारी की सारी क्लैडोफोरा जो थी यहां से हट गई, यहां से हट गई है और सारी की सारी कहां पर आ गई है सर, इधर आ गई है। मैंने कहा ओके जी, लाल रंग और नीले रंग की तरफ आ गई है कौन, क्लैडोफोरा। तो अब जरा सोचिए, इससे आपको एक चीज ये समझ में आई, क्लैडोफोरा यहां पर आ गई है, ठीक है। इससे आपको एक चीज तो ये समझ में आ गई है, ठीक है, क्लैडोफोरा यहां पर आ गई है। अब क्या हुआ, ध्यान से सुनना, क्लैडोफोरा अगर यहां पर आई, इट मींस मैक्सिमम प्रकाश संश्लेषण इन रंगों की तरंग दैर्ध्यता वाले प्रकाश में हो रहा है। अब इसकी पुष्टि कैसे करी उन्होंने, इसकी पुष्टि के लिए उन्होंने यहां पर डाल दिए जीवाणु। ध्यान से सुनना, इसकी पुष्टि के लिए उन्होंने यहां पर किसको डाला, जीवाणु। कौन से जीवाणु को, ऑक्सी, ऑक्सी जीवाणु, यानी जिनको ऑक्सीजन चाहिए। अब जरा सोचिए, उन्होंने यहां पर भी डाला था, ये रंग भी दिए थे किसको, क्लैडोफोरा को। क्लैडोफोरा को वॉयलेट भी दिया, इंडिगो भी दिया, ब्लू भी दिया, ग्रीन भी दिया, येलो भी दिया, ऑरेंज भी दिया, रेड भी दिया। ज्यादा से ज्यादा क्लैडोफोरा इन रंगों की तरंग दैर्ध्यता वाले प्रकाश में एकत्रित हो रही थी। इसकी पुष्टि के लिए उन्होंने क्या डाला, ऑक्सी जीवाणु। अब ऑक्सी जीवाणु कहां जाएगा, कहां जाएगा ऑक्सी जीवाणु, जहां ऑक्सीजन ज्यादा निकलेगी। ऑक्सीजन ज्यादा कहां निकलेगी, जहां ज्यादा प्रकाश संश्लेषण होगा। प्रकाश संश्लेषण कहां ज्यादा होगा, जहां यहां पर, क्योंकि ये दोनों रंगों में ही मैक्सिमम प्रकाश संश्लेषण होता है। क्यों, क्योंकि प्रकाश इन्हीं रंगों की तरंग दैर्ध्यता में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया संपन्न होती है। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों, ये आगे आने वाले लेक्चर्स में समझ में आएगा, अभी सिर्फ इतना सा, इन दोनों रंगों में ही मैक्सिमम प्रकाश संश्लेषण होता है। तो मैक्सिमम ऑक्सीजन, सोच, मैक्सिमम ऑक्सीजन यहां निकलेगी, मैक्सिमम ऑक्सीजन यहां निकलेगी, तो जीवाणु यहां पर और यहां पर ज्यादा एकत्रित होंगे या नहीं होंगे। ये जीवाणु है, मान लो ये जीवाणु है, ये जीवाणु ज्यादा से ज्यादा यहां एकत्रित होंगे कि नहीं होंगे। यस सर, क्यों, क्योंकि यहीं पर ही तो मैक्सिमम ऑक्सीजन निकल रही है। क्यों निकल रही है मैक्सिमम ऑक्सीजन, क्योंकि यहां पर मैक्सिमम प्रकाश संश्लेषण हो रहा है। कहां पर, नीले और लाल रंग में। तो क्लैडोफोरा भी ज्यादा से ज्यादा इस तरंग दैर्ध्यता के प्रकाश में क्या कर रही है, प्रकाश संश्लेषण कर रही है। ये था एक्सपेरिमेंट किसका, एंजेलमैन का। इधर देखो, इसमें देखो, ये प्रिज्म, हाँ, लाइट डाली, हाँ, हो गया परावर्तन, रिफ्लेक्शन, मतलब हो गया विघटन, हो गया, बट गई है लाइट अलग अलग तरह, नीला इस तरीके से बट गई है। अब इन्होंने क्लैडोफोरा को जब ये सारे रंग दिए, तो क्लैडोफोरा ज्यादातर, ये क्लैडोफोरा है, ये क्लैडोफोरा है, ये क्लैडोफोरा है, ये ज्यादातर क्लैडोफोरा कौन से रंग में सर, नीले रंग में और लाल रंग में, जहां पर ज्यादा से ज्यादा क्या निकल रही थी, ऑक्सीजन। तो वायवीय जीवाणु, एरोबिक बैक्टीरिया, मतलब ऑक्सी बैक्टीरिया, ज्यादातर बैक्टीरिया यहां पर और ज्यादातर बैक्टीरिया यहां पर दिखाई दिए हैं। क्यों, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन ज्यादा निकल रही है। यहां ऑक्सीजन क्यों ज्यादा निकल रही है, क्योंकि ये यहां ज्यादा मिले, ये यहां ज्यादा क्यों मिले, क्योंकि यहीं पर मैक्सिमम क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। ये बताया किसने, एंजेलमैन ने। आइए देखिए, ये तो समझ में आ गया, हरी शैवाल क्या ली, क्लैडोफोरा और ऑक्सीबैक्टीरिया को अंदर डाल दिया था। उसने पाया कि बैक्टीरिया मुख्यतः लाल एवं नीले प्रकाश क्षेत्रों में एकत्रित हो रहे हैं। आया समझ कि बैक्टीरिया ज्यादातर कहां एकत्रित हो रहे हैं, जहां पर क्लैडोफोरा को कौन सी लाइट दी जा रही है, कौन से रंग वाली, लाल और नीली, कौन सी, लाल और
नीले रंग की प्रकाश दिया जा रहा है वहां पर ज्यादा एकत्रित हो रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं स्पेक्ट्रम जो था मतलब कि कौन से ज्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है, तो नीट में प्रश्न पूछा गया मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अधिकतम प्रकाश संश्लेषण कौन से रंग में मैक्सिमम होता है, लाल और नीला। अब आप बोलेंगे लाल और नीले में ज्यादा किसमें होता है, लाल में होता है, याद रखना। क्यों सर, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे ना, क्यों सर, क्योंकि ये हम पढ़ेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में जब हम क्लोरोफिल की संरचना देखेंगे, सारी बहुत सारी डिटेल में बात करेंगे, आएगा एक एक करके चीज आएगी। डंडना डंडन, क्लियर है, चले आगे। ये था एंजेलमैन का एक्सपेरिमेंट दोस्त। अब बढ़ते हैं सातवां एक्सपेरिमेंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है वैन नील का एक्सपेरिमेंट। अब सर वैन नील ने क्या कर दिया, ऐसी कौन सी करामात कर दी। वैन नील एक वैज्ञानिक है जिन्होंने प्रयोग किया था किस पर, बैंगनी, पर्पल यानी बैंगनी, और हरे बैक्टीरिया पर। ठीक है, किस पर प्रयोग किया था, बैंगनी और हरे बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं पर प्रयोग किया था। क्या बताया था, पहले मैं आपको सीधा सीधा बता दूं वैन नील ने क्या बताया। वैन नील ने यह बताया कि ये जो प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है ना, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, इसमें जो ऑक्सीजन उत्पन्न हो रही है, देखिए भाई 6 कार्बन डाइऑक्साइड 12 जल के अणु प्रकाश और वर्णक क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज, और 6 जल के अणु हैं और 6 ऑक्सीजन है ना। हर कोई वैज्ञानिक ये जानना चाहता था कि भाई प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो उसमें ऑक्सीजन तो निकल रही है, ये हमको किसने बता दिया, ये हमको किसने बता दिया, जरा सोचिए, ये हमको इंजन हाउस ने भी बता दिया, प्रिस्टले ने भी बता दिया कि भैया ऑक्सीजन निकल रही है, बुलबुलों के रूप में निकली थी, है ना, याद आ रहा है, तो ऑक्सीजन तो निकल रही है। अब बात आ रही है कि सर ये जो ऑक्सीजन जो है जल में भी है, कार्बन डाइऑक्साइड में भी है, जल में भी ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन है, तो कहां से निकल रही है ऑक्सीजन, ये जल से आ रही है कि कार्बन डाइऑक्साइड से आ रही है, ये बड़ा प्रश्न था। तो ये चीज का प्रूफ, या मैं बोलूंगा ये चीज सर्वप्रथम किसने बताई, आपके वैन नील ने बताई कि भैया ये जो ऑक्सीजन जो है ना ये कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आ रही, ये किससे आ रही है, जल से आ रही है, जल के विघटन से, जल जब टूटता है तो उससे आती है क्या, ऑक्सीजन। अब क्या इन्होंने किया, कैसे बताया, वो हम बात करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, आराम से सुनिएगा, जो चीज मैं आपको समझाने वाला हूं जरा गौर फरमाइएगा जनाब, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है ये अभिक्रिया आप अच्छे तरीके से जानते हैं, अब इसी अभिक्रिया को मैं तोड़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए, हालांकि ये चीज आप आगे चलकर इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन मैं एडवांस में, हालांकि ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई हुई है, हालांकि मैं वापस से बता रहा हूं, हालांकि ध्यान से सुनिएगा क्या बताने वाला हूं, देखिएगा, ये जो प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया जो होती है ये दो भागों में बटी होती है, पहले बताया ना प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया दो प्रोसेस में डिवाइड होती है, दो प्रक्रिया में डिवाइड होती है। पहली जो होती है वो होती है क्या, ये जो 12 जल के अणु जो होते हैं ना, इन 12 जल के अणुओं को हम तोड़ते हैं प्रकाश और वर्णक की उपस्थिति में, प्रकाश और वर्णक की उपस्थिति में क्या निकलती है बेटा, 6 ऑक्सीजन निकल जाती है, और क्या बनता है सर, एटीपी बनता है, और एक और चीज बनती है जिसका नाम है NADPH, ये दो चीजों का निर्माण होता है और ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। इतनी सी बात समझ में। अब इस चीज को जरा यहां पर देखो, इस पूरी अभिक्रिया में ये वाला भाग कौन सा था, ये वाला था, मैं काला काला कर देता हूं, 12 जल के अणु प्रकाश और वर्णक की उपस्थिति में 6
तो जरा सोचिए इस अभिक्रिया में जो काला वाला भाग जो आपको दिखाई दे रहा है वो ये वाला भाग है या नहीं, ये जो मैंने लिखा है, ये 12 जल के अणुओं को तोड़ा प्रकाश और वर्ण की उपस्थिति में, ये बना और ये निकल गया। अब आपने कहा कि सर ये क्यों किया, मैंने बोला ये इसलिए किया क्योंकि मुझे ये चाहिए था, ये चाहिए क्या, एटीपी, ऊर्जा, ऊर्जा की इकाई होती ना एटीपी, ये चाहिए थी। सर एनएडीपीएच ये क्या होता है, फुल फॉर्म बाद में बताऊंगा, आएगा तसल्ली से आएगा, स्टेप बाय स्टेप चीजें पढ़ेंगे। एनएडीपीएच एक रसायन है और ऐसा माना जाता है एक एनएडीपीएच 3 एटीपी के बराबर होता है, क्या, एक एनएडीपीएच 3 एटीपी के बराबर होता है, ठीक है। तो हमने क्या बोला, हमें एटीपी मिल गई डायरेक्टली, डायरेक्टली हमें क्या मिल गई है, ऊर्जा मिल गई, एटीपी मिल गई है, और हमें एनएडीपीएच मिल गया, इस एनएडीपीएच को तोड़कर हम एटीपी बना लेंगे, यानी कुल मिलाकर हमारे पास ऊर्जा है या नहीं है। हाँ सर, अब ये ऊर्जा हमारे पास आ गई, अब हम इसका करेंगे क्या, इसका करने क्या वाले हैं, तो ध्यान से सुनना, ये जो अभिक्रिया थी इसको हम बोलते हैं प्रकाश अभिक्रिया, क्या बोलते हैं, प्रकाश अभिक्रिया, अंग्रेजी में बोलते हैं लाइट रिएक्शन, ठीक है। अब ये तो थी पहली अभिक्रिया, अब बात करते हैं दूसरी अभिक्रिया की, जिसको मैं लाल रंग से दिखा रहा हूं। दूसरे जो भाग है उसको हम बोलते हैं अप्रकाश अभिक्रिया, अप्रकाश अभिक्रिया, ठीक है। और ये अप्रकाश अभिक्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं डार्क रिएक्शन। अब कई बच्चे ये सोचते हैं, रिएक्शन को RXN भी लिख देते हैं ना जनरल, सो कई बच्चे सोचते हैं सर प्रकाश अभिक्रिया का मतलब, ऑब्वियस ही बात है, दिमाग लगाइए, ये जो अभिक्रिया जो होगी दिन में होगी कि रात में होगी, सर दिन में होगी, क्यों, क्योंकि भाई इसमें चाहिए प्रकाश, है ना। तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता ये जो अभिक्रिया जो थी ये प्रकाश पर आधारित है, हाँ है, प्रकाश और वर्णकों की उपस्थिति में हमने जल को तोड़ दिया, तोड़कर ऑक्सीजन निकल गई और हमें यह मिल गया दोस्त, इसकी चीज, इसकी नीड थी, इसकी आवश्यकता थी, क्यों थी, क्योंकि हम कराने वाले हैं अप्रकाश अभिक्रिया, यानी एक ऐसी अभिक्रिया जो बच्चे सोचते हैं रात में होती है, नहीं दोस्त रात में नहीं, एक ऐसी अभिक्रिया जो दिन में भी हो सकती है रात में भी हो सकती है, नाम इसका अप्रकाश इसलिए पड़ा क्योंकि इस अभिक्रिया में प्रकाश की जरूरत नहीं है। अब चाहे प्रकाश आए या ना आए कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ऐसी अभिक्रिया जिसमें प्रकाश की नीड ही नहीं है, प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, चलो दिन में आ रहा है लेकिन चाहिए ही नहीं, हो गई बिना प्रकाश के, हो गई कौन सी अभिक्रिया, तो याद रखना एक ऐसी अभिक्रिया विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन प्रकाश, एक ऐसी अभिक्रिया जो किस पर आधारित नहीं है, प्रकाश पर आधारित नहीं है। तो सर इस अभिक्रिया में क्या करते हैं, लाल रंग से सीधा सीधा तुमको ऊपर दिख रहा है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड जो थे इनको हम बदलते हैं सीधा किस में, ग्लूकोज में, और जब बदले तो 6 जल के अणु भी बने, ठीक है दोस्त, ये था। और ये अप्रकाश अभिक्रिया में कोई वर्णक नहीं चाहिए, कोई प्रकाश नहीं चाहिए, तो फिर क्या चाहिए, तो इस प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए ये चाहिए, कौन, ये एटीपी एनएडीपीएच, और ये हमें कहां से मिला, सर ऊपर वाली अभिक्रिया से। तो ये है कंप्लीट रिएक्शन प्रकाश संश्लेषण की, जो दो प्रक्रियाओं से मिलकर बनी होती है, एक होती है प्रकाश अभिक्रिया जिसमें हम जल को तोड़ते हैं प्रकाश वर्णक की उपस्थिति में और क्या बन जाती है, ऑक्सीजन निकल जाती है ना, ठीक है, सिंपल सा था, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ने से पहले ये चीज अगर आपको क्लियर है तो आइए ध्यान से सुनना, एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, देखिए जब हम जल को तोड़ रहे हैं तो क्यों तोड़ रहे हैं, आपने बोला सर जल को इसलिए तोड़ा जा रहा है ताकि हमें ये मिल सके, ये मिल सके, ध्यान से सुनो, जल को हम इसलिए तोड़ते हैं ताकि हमें ये मिल सके एटीपी और एनएडीपीएच। ये बनाने के लिए जब जब जल टूटता है, जब ये जल के अणु टूटते हैं, याद रखना
एक और चीज में लगे हाथ आपको यहां से थोड़ा सा हटकर एक और चीज मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, क्योंकि कई बच्चे ना कंफ्यूज पता है कैसे होते हैं। थोड़ा सा एक चीज को यहीं पर स्टॉप करके मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखिएगा बेटा, एक जल का अणु जो होता है ना, एक जल का अणु जो होता है जब वो टूटता है तो याद रखना आधी बनती है ऑक्सीजन। जी हाँ, आधा अणु बनता है किसका? ऑक्सीजन का। दो निकलते हैं इलेक्ट्रॉन और दो हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन। ये जरूर अपने दिमाग में फिट कर लेना। क्यों सर? क्योंकि मैं आपको बताता हूं, दसवीं कक्षा में कई टीचर प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को कैसे लिख देते हैं, इधर देखना। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया मैंने बोला यही होती है। हाँ सर, ये वाली प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया थी। अब क्या होता है ना, कई टीचर क्या करते हैं, इधर देखिएगा, ये जो हमारी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया थी ना, कई टीचर पता है क्या करते हैं, देखो 6 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, 12 जल के अणु की जगह 6 जल के अणु ले लेते हैं। याद करिए, दसवीं में अगर किसी ने आपको ऐसा बता दिया है तो ग्लूकोज बनाते हैं, 6 ऑक्सीजन बना देते हैं, बस। पता है क्या बोलते हैं, कहते हैं कि भाई देखो यहां पर 12 जल के अणु है। बच्चे ने बोला हां सर 12 जल के अणु है, जिसमें से कितने निकल गए? 6 निकल गए। यूज में कितने आए? 12। निकल कितने गए? 6। 12 हमने यूज में लिए, जिसमें से 6 वेस्ट हो गए, 6 निकल गए। तो यूज में कितने आए? 12 में से 6 यूज में आ गए। नहीं समझ में आया? वापस से बोलो, फिर से देख। मैंने 12 रुपए अपने मम्मी पापा से मांगे, मैंने 12 रुपए अपने मम्मी पापा से मांग लिए, उन्होंने मेरे को 12 रुपए दे दिए, जिसमें से 6 रुपए मैंने उनको वापस निकाल कर दे दिए। 12 रुपए में से 6 रुपए निकाल कर दे दिए मैंने मम्मी पापा को, तो मैंने यूज में कितने लिए? 6 ना। तो कई टीचर क्या बोलते हैं कि भाई 12 यूज में ले रहे हो, 6 निकाल रहे हो, 12 उपयोग में लिए, 6 निकाल दिए, तो वास्तविक कितने उपयोग में लिए? 12 में से 6 निकल गए तो कितने यूज में आए होंगे? 6। इसलिए वो यहां पर 6 लिख देते हैं और यहां पर जल का अणु नहीं निकलता, समझ रहे ना। 12 में से 6 निकल गए तो कितने यूज में आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं ना, है ना। तो ये अभिक्रिया लिख देते हैं। अब जरा सोचिए दोस्त, ये दसवीं क्लास में भी कई टीचर ऐसा बता देते हैं। अगर आपने ऐसा सुना है ऐसा, तो भाई साहब ये सरासर गलत है। क्यों सर? क्यों गलत है? जरा दिमाग लगा दोस्त, दिमाग लगाओ। मैंने आपको यहां पर क्या बताया, एक जल का अणु जब टूटता है तो कितनी ऑक्सीजन उत्पन्न हो रही है? सर आधी। कितनी ऑक्सीजन? आधी, है ना, है ना। अब इधर देख, एक जल का अणु टूटा तो कितनी? आधी। दोस्त यहां पर भी 6 ऑक्सीजन, यहां पर भी 6 ऑक्सीजन। एक जल का अणु अगर टूटता है तो हाफ ऑक्सीजन निकलती है, तो 6 ऑक्सीजन उत्पन्न करने के लिए, 6 ऑक्सीजन उत्पन्न करने के लिए मैं जल के अणु कितने लूंगा? एक यूज में लिया, आधी बनी, तो 12 यूज में लूंगा, तभी तो 6 ऑक्सीजन के अणु उत्पन्न होंगे कि नहीं होंगे? आया समझ में? तो ये सरासर गलत है, क्योंकि 6 ऑक्सीजन उत्पन्न करने के लिए आपको 6 जल के अणु नहीं चाहिए। कितने चाहिए दोस्त? 12 जल के अणु चाहिए। ये जरूर याद रखना, ये अभिक्रिया सरासर गलत है, क्योंकि कई ऐसे टीचर्स मैंने देखे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी देखे हैं, ये रिएक्शन बताते हुए। भाई साहब मत कर देना ऐसी गलती, ये अभिक्रिया बिल्कुल करेक्ट है, ये सरासर गलत है। 6 ऑक्सीजन तभी प्रोड्यूस होंगी जब हम 12 जल के अणुओं को तोड़ते हैं। डन। चलिए सर, अब ये चीज भी बतानी जरूरी थी, और इसी चीज के साथ में एक कंसेप्ट और आपने यहां पर देखा कि जब जल का अणु टूटता है तो आधी ऑक्सीजन निकलती है। ओके सर, और क्या निकला? सर इलेक्ट्रॉन। सर इस इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे? उपयोग करेंगे, कहीं ना कहीं उपयोग करेंगे। ये आगे आने वाले लेक्चर्स में धीरे धीरे करके चीज समझ में आएगी। अभी लग रहा होगा अरे सर ये क्या पहाड़ जैसी चीज है, आगे आएगी। यस, आगे आने वाली है, तो धीरे धीरे एक एक स्टेप करके समझाना पड़ेगा, ठीक है।
तो आधी ऑक्सीजन निकली एक जल के अणु को तोड़ने से, तो हमने कितने जल के अणु ले लिए सर? 12 जल के अणु ले लिए। मैंने कहा ठीक है, तो 6 तो क्या निकलेंगी? ऑक्सीजन। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? एक जल के टूटने से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 12 जल के अणु को तोड़ने से 24 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। हाँ सर, और साथ साथ 24 ही प्रोटोन यानी हाइड्रोजन आयन भी निकलेंगे। बोलिए बोलिए, समझ में आया या नहीं आया? बोलो भाई, दिमाग चला। एक जल के अणु को तोड़ने से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो 12 जल के अणुओं को तोड़ने से दुगने नहीं निकलेंगे, 1 से 2 निकल रहे हैं, तो 12 से 24, 24 और 6, आधा था इसका, 12 का आधा 6, लो, है ना। अब ये चीज क्यों बताई सर? ये इसलिए बताई क्योंकि दोस्त, एटीपी का निर्माण करने के लिए, ध्यान से सुनना, कंसेप्ट तो यहां है, एटीपी का निर्माण करने के लिए या एनएडीपीएच का निर्माण करने के लिए, इन दोनों का निर्माण करने के लिए, निर्माण करने के लिए चाहिए होता है ये क्या? ये क्या? ये प्रोटॉन। ये जो प्रोटॉन है, ये जो हाइड्रोजन आयन है, इनका उपयोग होता है क्या बनाने के लिए दोस्त? एटीपी और एनएडीपीएच का निर्माण करने के लिए। इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो आगे बढ़े। क्लियर है? वापस से रिपीट करूं? फिर से करूं? फिर से सुन, जब तक नहीं आएगा समझ में बताऊंगा। इधर देख, मैंने बोला ये है प्रकाश संश्लेषण की बिल्कुल करेक्ट अभिक्रिया, है ना। गलत कौन सी थी? मैंने आपको बता दिया है क्या गलती थी, ये मैंने आपको बता दिया है। इस अभिक्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में, 2 अभिक्रियाएं सम्मिलित है। पहली जो है उसका नाम है प्रकाश अभिक्रिया, जो किसकी उपस्थिति में होगी? प्रकाश वर्णक की उपस्थिति में। क्या करेंगे? जल के अणुओं को तोड़ेंगे। क्यों तोड़ेंगे? क्योंकि हमें चाहिए एटीपी और एनएडीपीएच। ओके, जल के अणु जब टूटते हैं तो ऑक्सीजन निकल गई। हाँ, ऑक्सीजन निकल गई है। क्या बना हमारे पास? बचा क्या? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का क्या करने वाले हैं? आगे चलकर चैप्टर में समझ में आएगा। प्रोटॉन का क्या करने वाले हैं? ये मैंने हल्का सा हिंट दे दिया। इन प्रोटॉन का हम इस्तेमाल करने वाले हैं निर्माण करने के लिए। किसका? एटीपी और एनएडीपीएच का निर्माण करने के लिए। ये एटीपी और एनएडीपीएच क्यों बनाए थे? क्योंकि जो अप्रकाश अभिक्रिया जो थी, जिसमें हम 6 कार्बन डाइऑक्साइड को बदलने वाले हैं, किसमें? ग्लूकोज में। यानी प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश अभिक्रिया हो गई, ऊर्जा बन गई, और उस ऊर्जा का इस्तेमाल करने वाले अप्रकाश अभिक्रिया, जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को बदलेंगे, किसमें? ग्लूकोज में। आया समझ में? क्लियर है? तो इस अभिक्रिया में ये यूज में आने वाले हैं। तब आप मुझे बताइएगा, प्रकाश संश्लेषण में संश्लेषण करने के लिए, ग्लूकोज का संश्लेषण करने के लिए क्या आपको प्रकाश की जरूरत है? सोचो, संश्लेषण इसका हो रहा है, प्रकाश की जरूरत यहां पर है। प्रकाश की वर्णक की जरूरत इसलिए थी, जल टूटेगा, ऑक्सीजन ठीक है निकल जाएगी, ये बनाना था। ये क्यों बनाना था? 6 कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदलने के लिए ऊर्जा चाहिए थी। डंडना डंडन, इतनी सी बात समझ में आ गई है। अब इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई है, अब मैं आपको बताता हूं वेन नील ने क्या किया था। अब हम बात करते हैं वेन नील ने क्या किया था। ठीक है, अब वेन नील की चीज बताने के लिए मुझे ये सारी चीजें आपको समझानी पड़ी। आइए, वेन नील ने क्या किया था वो हम देखते हैं। देखिए बेटा, वेन नील ने क्या किया था? देखिए, वेन नील ने 2 चरणों में एक्सपेरिमेंट किए। सबसे पहले उसने लिया क्या? सल्फर बैक्टीरिया। क्या लिया सबसे पहले? सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, सल्फर बैक्टीरिया लिया उसने। ठीक है, और ये जो सल्फर बैक्टीरिया जो सबसे पहले लिया, कौन सा लिया? बैंगनी, बैंगनी वाला लिया था।
मैंने आपको बताया दो तरीके के बैक्टीरिया लिए, सल्फर बैक्टीरिया, देखो इधर 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 देखो इधर, कौन से लिया, एक बैंगनी लिया और एक हरा लिया, है ना। तो हमने सबसे पहले किसकी बात करी, बैंगनी वाले की बात करी, सल्फर बैक्टीरिया बैंगनी वाला, ठीक है। इधर देखिएगा, हमने सल्फर बैक्टीरिया को कार्बन डाइऑक्साइड दी, क्या दी, कार्बन डाइऑक्साइड दी, हमने इसको जल भी दिया, हमने इसको हाइड्रोजन सल्फाइड भी दी। ध्यान से देखना, हमने इस सल्फर बैक्टीरिया को, हमने इस सल्फर बैक्टीरिया को बैंगनी वाले को और हरे वाले को भी साथ साथ ही लिख देते हैं, हरे वाले को भी और बैंगनी वाले दोनों को साथ साथ ही लिख देते हैं, अलग अलग नहीं, हरा वाला भी और बैंगनी वाला दोनों साथ साथ, एक ही तो चीज है, कुछ अलग नहीं होने वाला है, सेम रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। हालांकि वेनिल ने अलग अलग करके किया, पहले हरे पर किया था फिर बैंगनी पर किया था, मैं दोनों का एक साथ ही बता रहा हूं। हरा और बैंगनी दोनों सल्फर बैक्टीरिया को, दोनों तरीके के सल्फर बैक्टीरिया को उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड भी दी, उन्होंने जल भी दिया, उन्होंने हाइड्रोजन सल्फाइड भी दिया, ठीक है। उन्होंने पाया, उन्होंने प्रकाश भी दिया और इनके अंदर वर्णक ऑलरेडी है, ठीक है। वेन नील ने क्या पाया कि भाई ये जो बैक्टीरिया जो है ये भोजन बनाए, इन बैक्टीरिया ने अपना भोजन बनाया, भोजन बनाया, जल भी बना, जल भी बना, भोजन भी बनाया, भोजन भी बना है, जल भी बना है, लेकिन लेकिन भोजन भी बना, जल भी बना, लेकिन किंतु परंतु यहां पर ऑक्सीजन नहीं निकली, सल्फर निकली। और यह अभिक्रिया मैंने आपको पहले भी बताई थी पिछली कक्षा में, सबसे पहला जो प्रकाश संश्लेषण हुआ था अनॉक्सी हुआ था ना। अब जरा सोचिए, वेन नील ने जब एक्सपेरिमेंट किया, वेन नील ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो इसमें ना सल्फर निकली, ऑक्सीजन नहीं निकली, सल्फर निकली है, ऑक्सीजन मुक्त नहीं। और वेन नील को ये पता है कि भाई साहब ये जो सल्फर जो है ये कहां से निकली हुई होगी, जल से तो निकलेगी नहीं, कहां से निकलेगी, हाइड्रोजन सल्फाइड से निकलेगी। अब इस बेसिस पर सोचो, इस बेसिस पर कर दिया। अब इसके बाद उन्होंने ये करने के बाद में ये बताया कि भाई साहब अगर सल्फर बैक्टीरिया को आप जल देते हैं तो वो इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि सल्फर बैक्टीरिया को प्रकाश अभिक्रिया करने के लिए जो प्रोटॉन दाता चाहिए, सल्फर बैक्टीरिया को प्रकाश अभिक्रिया करने के लिए जो प्रोटॉन दाता चाहिए, जो हाइड्रोजन आयन देगा, वो जल नहीं देता है, क्यों, क्योंकि ये है क्या, सल्फर बैक्टीरिया है। कौन से बैक्टीरिया है, सल्फर बैक्टीरिया है, जो हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज में लेंगे तभी तो क्या निकालेंगे, सल्फर निकालेंगे, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, सल्फर बैक्टीरिया। अब ये बताने के बाद में उन्होंने डायरेक्टली निष्कर्ष निकाल दिया कि दोस्त सल्फर बैक्टीरिया सल्फर अगर निकाल रहे हैं तो वो क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि प्रोटॉन दाता जो था वो हाइड्रोजन सल्फाइड था, जल नहीं था। लेकिन उच्च पादपों में, उन्होंने ये भी बोला, उच्च पादपों में जब ये अभिक्रिया देखेंगे तो उच्च पादपों को, ध्यान से सुनना, उच्च पादपों को भी हमने क्या दिया, सर जल दिया और हाइड्रोजन सल्फाइड दिया, लेकिन उच्च पादपों ने क्या बनाया, सर ग्लूकोज बनाया, जल बनाया और सर उन्होंने 6 ऑक्सीजन मुक्त करी। अब इस बेसिस पर जरा सोचिए, जब हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज में लिया तो सल्फर निकली, हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज में लिया तो सल्फर निकली, और जल को जब यूज में ले रहे हैं उच्च पादप तो ऑक्सीजन निकल रही है। इससे क्या पता लगा कि भैया ऑक्सीजन किससे निकलती है, ऑक्सीजन
कार्बन डाइऑक्साइड से निकल रही है। कार्बन डाइऑक्साइड तो यहां पर भी है, यहां पर भी है, लेकिन जरा सोचिए, कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर भी है, यहां पर भी है, लेकिन यहां सल्फर निकल रहा है, यहां ऑक्सीजन निकल रही है। इट मींस सल्फर क्यों निकला? क्योंकि दाता जो था ना, हाइड्रोजन आयन का जो दाता जो था, ये जो हाइड्रोजन आयन जो निकलेगा, जो एटीपी एनएडीपीएच का निर्माण करने वाला प्रकाश अभिक्रिया में, वो जो हाइड्रोजन आयन जो निकल रहा है, यहां पर सल्फर उत्पन्न करने के लिए हाइड्रोजन आयन कौन होएगा? यहां से निकलेगा, ये टूटेगा तो हाइड्रोजन आयन निकलेगा, एटीपी वेटीपी बन जाएगी और क्या निकल जाएगा? सल्फर। वहीं उच्च पादपों में जब उन्होंने ये देखा तो उन्होंने पता लगाया हाइड्रोजन सल्फाइड का उपयोग नहीं हो रहा, सल्फर नहीं निकल रही, ऑक्सीजन निकल रही। इट मींस यहां पर ऑक्सीजन किससे निकलेगी? यहां पर हाइड्रोजन दाता कौन होगा? ये होगा, ये काम किया था किसने? वैन नील ने। अब आइए पढ़ते हैं वैन नील के बारे में, देखिए क्या लिखा हुआ। कॉर्नेलियस वैन नील, इनका पूरा नाम है, के प्रयोग ने प्रकाश संश्लेषण को समझने में मील के पत्थर का काम किया, यानी बहुत इंपॉर्टेंट काम बताया उन्होंने। पहली चीज ठीक है, इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ भाई, उनका जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो था बहुत इंपॉर्टेंट था। उन्होंने अध्ययन किस पर किया, ये हम ऑलरेडी देख चुके बेटा। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पर किया? बैंगनी और हरे बैक्टीरिया पर किया। उन्होंने बताया कि प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाश आधारित प्रतिक्रिया है। ओहो हो, बहुत तगड़ी बात है। उन्होंने क्या बता दिया कि प्रकाश संश्लेषण किस पर आधारित है? प्रकाश पर, ठीक है, जिसमें ऑक्सीकरणीय यौगिक से प्राप्त हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड को अपचयित करके कार्बोहाइड्रेट बनाती है। क्या 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 सर, समझ में नहीं आया। जिसमें प्रकाश संश्लेषण में एक ऑक्सीकरणीय यौगिक से प्राप्त हाइड्रोजन, ऑक्सीकरणीय यौगिक का मतलब जिसका विघटन होएगा, जो टूटेगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा, एक ऐसा यौगिक जिसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, और होने के बाद में क्या प्राप्त होएगा? सर हाइड्रोजन आयन प्राप्त नहीं होएगा, जरा सोचिए। और वो होने के बाद में हाइड्रोजन आयन प्राप्त होने से क्या मिलेगा? सोच, ये हाइड्रोजन आयन क्यों चाहिए थे? ये एक ऑक्सीकरणीय यौगिक से हाइड्रोजन प्राप्त होएगा, ये हाइड्रोजन क्यों चाहिए? ये बनाने के लिए। ये क्यों बनाया? ताकि हम कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिरीकरण कर दें, उसको बदल दे किसमें? शर्करा में। ये देख, ये लिखा हुआ, जिसमें ऑक्सीकरणीय यौगिक से प्राप्त हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड ले लो या जल ले लो, मिलेगा क्या? हाइड्रोजन मिलेगा, हाइड्रोजन आयन मिलेगा, जिसको हम यूज मिलेंगे क्या बनाने के लिए? एटीपी एनएडीपीएच बनाने के लिए यूज मिलेंगे। अब उसका क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को अपचयित करके कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे। लो जी, खत्म, खल्लास। तो ये वो यौगिक है जिसका ऑक्सीकरण होगा, जिससे क्या बनेगा? हाइड्रोजन आयन। उस हाइड्रोजन आयन को हम यूज मिलेंगे क्या बनाने के लिए? एटीपी एनएडीपीएच2। और एटीपी एनएडीपीएच2 को यूज मिलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज बनाने के लिए। ये था सिंपल सा मीनिंग। आगे बढ़ते हैं। हरे पौधों में H2O हाइड्रोजन दाता होता है, ये हमने आपको बता दिया। जो हरे पौधे हैं उनमें हाइड्रोजन दाता जो है वो कौन है? सर जल है, और ऑक्सीकृत होकर ऑक्सीजन देगा। बोलिए, आया कि नहीं आया? यही तो बोला कि एक यौगिक लेना पड़ेगा। वैन नील ने यही तो बताया कि भैया एक यौगिक है जो ऑक्सीकृत होगा और हाइड्रोजन डोनेट करेगा। हाइड्रोजन डोनेट से क्या होएगा? एनर्जी मिलेगी, एटीपी एनएडीपीएच, और उस एनर्जी को यूज मिलेंगे क्या बनाने के लिए? सर कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए। किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से। खत्म, खल्लास। लो जी, क्लियर है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। कुछ जीव प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन मुक्त नहीं करते हैं, हम जानते हैं अनऑक्सी प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीजन मुक्त नहीं करते हैं। जब हाइड्रोजन सल्फाइड बैंगनी और हरे बैक्टीरिया के लिए हाइड्रोजन दाता है, बोलिए, समझाया ना कि बैंगनी और हरे बैक्टीरिया में हाइड्रोजन दाता जो था वो कौन था? सर हाइड्रोजन सल्फाइड था, जिसका ऑक्सीकरण हुआ। ऑक्सीकरण होने के बाद में कहीं ना कहीं सल्फर निकल गई है। क्या निकल गई है? सल्फर निकल गई है, कोई ऑक्सीजन नहीं निकलेगी, क्योंकि है ही नहीं ना हाइड्रोजन सल्फाइड में ऑक्सीजन, थोड़ी ना हाइड्रोजन सल्फाइड है ना, तो सल्फर निकल जाएगा। प्रोटोन यूज में ले लेंगे, कहीं ना कहीं ऊर्जा बन जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड को बदल दें, खत्म, खल्लास। अब इन सारी चीजों से उन्होंने ये निष्कर्ष निकाल दिया कि भैया जो हरे पौधे होते हैं ना,
उनमें जो ऑक्सीजन जो निकल रही है वो जल से आती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। मैं चाहता तो इसको सीधा एक ही झटके में आपको बोल देता, लेकिन ये पूरी कहानी बतानी पड़ी ये वाली है कि भैया ये प्रकाश संश्लेषण दो चरणों में हो रहा है। हम जल को तोड़ते हैं क्यों? क्योंकि ये मिल सके। ये किस लिए चाहिए? इसको इसमें बदलने के लिए चाहिए। ये बनाने के लिए जब हम जल को तोड़ रहे थे, ये बनाने के लिए जब जल टूटता है तो ये तीन चीजें निकलती हैं, जिसमें से ये तो निकल गई, इसको हम बाद में पढ़ेंगे उपयोग में आती है। इसका क्या उपयोग था ये हमने बताया, ये बनाने के लिए इसका उपयोग था। तो भाई साहब, अगर मुझे ये करना है, अप्रकाश अभिक्रिया भोजन बनाना है, तो भोजन बनाने के लिए चाहिए, हाँ। ये बनाने के लिए क्या चाहिए? ये चाहिए। ये कहां से मिलेगा? किसी ना किसी दाता से मिलेगा, है ना। अब हरे पादपों में वो दाता कौन था? जल था। जबकि हरे और नील, हरे और बैंगनी बैक्टीरिया में ये दाता कौन था? हाइड्रोजन सल्फाइड था। खत्म, खलास। हाइड्रोजन सल्फाइड अगर वहां दाता है तो सल्फर निकल जाएगी, हरे पादपों में ये दाता था तो ऑक्सीजन निकल जाएगी। तो ऑक्सीजन किससे निकली है? जल से निकली है, ये वह नील ने बता दिया। खत्म। इतनी सी बात थी जो आपको समझानी थी, ठीक है। चल, क्लियर है। अब मैं आपको तीन और वैज्ञानिक ऐसे बताने वाला हूं जो हमारी एनसीईआरटी में नहीं दे रखे हैं, तीन वैज्ञानिक और बताने वाला हूं जिन्होंने वैन नील के कार्य की पुष्टि करी। वैन नील ने अपने कार्य के आधार पर यह बता दिया कि दोस्त, जल ही है क्या ऑक्सीजन का स्रोत। ऑक्सीजन जो निकल रही है वो किससे निकल रही है? जल से निकल रही है, ये वैन नील ने बता दिया। लेकिन इसको प्रूफ किसने किया ये हमारी एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूं वैन नील के कार्य का प्रूफ। याद रखना, वैन नील के, वैन नील की प्रस्तावना, वैन नील की प्रस्तावना जो थी का प्रूफ जो था वो किसने दिया, ठीक है। किसने सिद्ध किया कि वैन नील ने जो बात बोली है वो सही है? तो तीन वैज्ञानिक अगर याद रख सकते हैं तो रखिएगा, वैसे हमारी एनसीईआरटी में नहीं दे रखे लेकिन रख लीजिएगा। रूबेन, RUBEN, कामेन, KAMEN और हासिद, HASSID। ये तीन वैज्ञानिक, रूबेन, कामेन, हासिद, इन तीनों ने प्रूफ करके बताया कि वैन नील ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही है। अब इन्होंने क्या किया, ध्यान से सुनना। इन्होंने जो कार्बन डाइऑक्साइड ली, ध्यान से देखिएगा, इन्होंने जो कार्बन डाइऑक्साइड ली और इन्होंने जो जल लिया, ठीक है, ऑक्सीजन के सामान्य जो ऑक्सीजन जो होती है वो कौन सी होती है बेटा? याद रखना, ऑक्सीजन 16 होती है। नॉर्मली जो वातावरण में कहीं पर भी हमें ऑक्सीजन मिलती है वो कौन सी होती है? ऑक्सीजन 16 होती है, है ना। इन्होंने जो जल लिया उस जल में ऑक्सीजन का एक समस्थानिक आइसोटोप यूज में लिया, हैवी, भारी समस्थानिक यूज में लिया, कौन सा? 18। आई बात समझ में? याद आ रहा है, मैंने आपको खनिज पोषण वाले चैप्टर में भी बताया था ट्रेस और ट्रेसर तत्व। ट्रेस का मतलब सूक्ष्म, ट्रेसर का मतलब किसी चीज का पता लगाने के लिए जो तत्व यूज में लिए जाते हैं, जो आइसोटोप होते हैं, समस्थानिक होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन, नॉर्मली जो ऑक्सीजन जो होती है वातावरण में जो मिलती है वो कौन सी होती है? ऑक्सीजन 16 होती है, ठीक है। और यहां पर ऑक्सीजन का एक भारी समस्थानिक, हैवी आइसोटोप जो यूज में लिया इन तीनों ने, वो लिया था ऑक्सीजन का 18, लेकिन किस में लिया? जल में लिया, ठीक है। अब इन्होंने रिजल्ट में क्या देखा वो सीधा सीधा देखते हैं। इन्होंने रिजल्ट में पाया कि जो ग्लूकोज जो थी ना, जो ग्लूकोज जो थी उसमें भी ऑक्सीजन, और जो नॉर्मली ऑक्सीजन बुलबुलों के रूप में निकल रही थी, इनमें से कौन सी ऑक्सीजन 18 समस्थानिक वाली थी? तो उन्होंने पाया दोस्त, ये जो ऑक्सीजन निकल रही थी ये थी 18 और ये थी 16, ये थी 18, ये थी 16,
मेरे ख्याल से आपको इतनी सी बात ये करने के बाद में समझ में आ जाएगी दोस्त कि इस प्रूफ से क्या पता लगा। सोचो, इतने से प्रैक्टिकल करने से क्या पता लगा कि भैया ये जो ऑक्सीजन जो आ रही है ना प्रकाश संश्लेषण में मुक्त हो रही है, ये कौन सी थी? 18 समस्थानिक वाली थी जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड में यूज मिली थी कि जल में यूज मिली थी। इट मींस जल टूटेगा तभी तो ऑक्सीजन 18 वाली निकलेगी। ये तो टूटी नहीं रही, ये तो बदल रहा है किसमें? ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज में मिली कौन सी? नॉर्मल जो सामान्य जो ऑक्सीजन होती है वो मिली थी। ठीक है, तो इसीलिए ना कई सारी बुक्स में क्या होता है, ये ऑक्सीजन जो 16 वाली होती है दिखाई देती ही नहीं है, दिखाते ही नहीं है बुक में। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन 16 जो होती है वो सामान्य रूप से मिलती है, जो ऑक्सीजन 16 है वो सामान्य रूप से दिखाई जाती है। तो अब सीधा सीधा उन हम ये बोल देते कि रूबेन कामेन हासिद ने जो प्रूफ दिया था किसका, वैन नील का, उन्होंने क्या किया था, जो जल लिया था उसमें ऑक्सीजन का हैवी आइसोटोप भारी समस्थानिक यूज में लिया ऑक्सीजन 18 जो निकला किसमें, ऑक्सीजन के रूप में। इससे क्या पता लगा कि जो ऑक्सीजन निकल रही है वो जल से आई है। ये थी बात, आई होप आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी। ये था हमारे 8वें तरीके से बोल देते, क्योंकि अब तक हमने जो एक्सपेरिमेंट देखे उसमें ये 7वां था, 8वां हमारी बुक में दे नहीं रखा था, तो मैंने यहां पर लिख दिया कि वैन नील की प्रस्तावना का जो प्रूफ जो दिया था इन तीन वैज्ञानिकों ने दिया था। आशा करते हैं आपको ये सारी चीज समझ में आ गई होगी। ये थे वो बेटा एक्सपेरिमेंट जो आपके बुक में दे रखे हैं प्रकाश संश्लेषण से संबंधित। चले आगे, कोई तकलीफ? क्लियर है सारी की चीज, सारी चीजें? वैन नील की बातें समझ में आ गई है? वैन नील सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा कि भैया ऑक्सीजन जल से निकलती है कि कार्बन डाइऑक्साइड से आ रही है? दोनों में ऑक्सीजन है तो सीधा जल से निकल रही है। किस हिसाब से? कि हरे और बैंगनी बैक्टीरिया को जब हाइड्रोजन सल्फाइड दिया गया तो सल्फर निकली। हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन दाता है जिसका उपयोग होएगा ऊर्जा का निर्माण करने के लिए, और उसी ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज या भोजन में बदलने के लिए। ठीक है, इस आधार पर उन्होंने ये बताया कि जब बैक्टीरिया ये कर रहे हैं तो हरे पादप हाइड्रोजन दाता किस रूप में यूज में ले रहे हैं? जल के रूप में यूज में ले रहे, तभी ऑक्सीजन निकल रही है। ये चीज उन्होंने बताई, इसका प्रूफ इन तीन वैज्ञानिकों ने दे दिया था। चले अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा टॉपिक जो आ रहा है वो आ रहा है जो मैंने आपको बोला था आज हम पढ़ने वाले हैं, प्रकाश संश्लेषण सर जी कहां पर हो रहा है और कौन से वर्णक इस्तेमाल होते हैं प्रकाश संश्लेषण में। मैंने कहा ठीक है जी, ये बात करेंगे। आइए, तो सबसे पहला प्रश्न ये आ रहा है कि सर प्रकाश संश्लेषण होता कहां पर है। ऑब्वियस ही बात, आगे बढ़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहां पर होता है? मैंने बोला ये जो चीजें हैं ये अभी बताऊंगा। मैंने बोला दोस्त एक पेड़ है, उसका ये तना है, ये जड़े हैं, बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहां पर होएगा? सर जी पत्तियों में होएगा। सिंपल, कहां पर होएगा सर? पत्तियों में होगा। मैंने कहा ओके, इन पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होगा। ठीक है, पत्तियों में कहां होगा सर? पत्तियों की कोशिकाओं में होगा। मैंने कहा हाँ जी, पत्तियों के अंदर कोशिकाएं हैं, पत्तियों के अंदर कोशिकाएं। अब अगर आपको चैप्टर याद आ रहा हो, आपने पढ़ा था पुष्पीय पादपों का शरीर, याद आ रहा है? अगर आप वो भूल गए हैं, आपका बैकलॉग हो गया है, तो भाई साहब बहुत गलत बात है। पुष्पीय पादपों के शरीर में याद करिएगा, हमने ऊतक पढ़े थे। एक पत्ती के अंदर कौन कौन से ऊतक मिल रहे थे याद कर? बाह्य त्वचीय ऊतक, बाह्य त्वचीय कोशिकाएं ऊतक बना रही थी, बाह्य त्वचीय ऊतक, ये वाला कौन सा दोस्त? ये वाला, ये यहां पर क्या आएगी? बाह्य त्वचा। ये जो गुलाबी गुलाबी मैंने बनाई है ये है बाह्य त्वचा। डन, क्लियर है? लिख भी दूं? चलो लिख देता हूं, बाह्य त्वचा। डन, इनकी कोशिकाओं में नहीं होएगा प्रकाश संश्लेषण? ना ना ना। फिर इसके अंदर बिल्कुल बीच में कौन है सर? ये मैंने कहा मैंने बोला दोस्त ये है मध्य शिरा। कौन है ये? मध्य शिरा, और इससे साइड में निकलती हुई शिराएं। ये मध्य शिरा और शिराएं और शिरिकाएं, याद अगर आपको वर्ड आ रहे हो, इनमें क्या था सर? इनमें संवहन ऊतक था। मैंने कहा हाँ जी, इनमें क्या था सर? इनमें
शिराओं में क्या था? संवहन, बंडल है या संवहन? ऊतक है। बाह्य त्वचा ऊतक है। बाह्य त्वचा का ऊतक बता दिया मैंने आपको। हाँ सर, बाह्य त्वचा का ऊतक, संवहन, बंडल मिल रहे जाइलम फ्लोएम, इनमें मध्य शिरा में, और मध्य शिरा से जो शिराएं निकल रही है उनमें, शिराओं से जो शिरिकाएं निकलती है उनमें भी, ठीक है, संवहन ऊतक। अब बचा हुआ जो लाल लाल जो भाग आपको दिखाई दे रहा है अंदर, ये क्या था? सर ये था भरण ऊतक, याद कर। ये है कौन? ये जो अंदर जो है, अंदर की तरफ जो है लाल लाल जो कोशिकाएं मैंने दिखाई है, ये था भरण ऊतक। याद आ रहा है? याद आया? कुछ चीज रिवाइज हो रही है, आ रहा है कुछ? पत्तियों के अंदर तीन प्रकार के ऊतक थे, बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र था, संवहन ऊतक तंत्र था, भरण ऊतक तंत्र था, याद आ रहा है? और मैंने आपको बताया था पत्तियों में भरण ऊतक केवल और केवल किससे बना होता है? कोशिकाओं से। और उन कोशिकाओं को हम हिंदी में क्या बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, याद रखना, मेसोफिल कोशिका। मेसोफिल इंग्लिश में बोलते हैं मेसोफिल, इंग्लिश में लिख देता हूं पहले, इंग्लिश में बोलते हैं मेसोफिल सेल्स, ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं पर्ण मध्योतक कोशिका, पर्ण मध्योतक कोशिका। हाँ जी, याद आया? तो पर्ण मध्योतक कोशिका, जिसको हम मेसोफिल सेल्स भी बोलते हैं इंग्लिश में, कई जगह बुक्स में आपको मेसोफिल भी लिखा होगा, है ना? तो चाहे तो मेसोफिल बोल दीजिए, चाहे पर्ण मध्योतक बोल दीजिए, वो कोशिकाएं जो भरण ऊतक बना रही है, इन्हीं कोशिकाओं में होगा क्या? प्रकाश संश्लेषण। इन्हीं कोशिकाओं में क्या होएगा? प्रकाश। सर बाकियों में नहीं होएगा? मैंने कहा बाकियों में भी होगा, बाकियों में भी होता है, ऐसा नहीं है भाई ये त्वचा में नहीं होएगा, संवहन ऊतक की कोशिकाओं में होगा इनमें, लेकिन मैक्सिमम अधिकतम इनमें होगा। क्यों सर? इन्हीं में ही अधिकतम प्रकाश संश्लेषण इन्हीं कोशिका में क्यों होएगा? क्योंकि इन्हीं कोशिका में मिलते हैं क्या आपके, याद रखना, हरित लवक। ये जो कोशिकाएं हैं, मान लो इस कोशिका को मैं बना रहा हूं, ये कोशिका, इन्हीं कोशिकाओं के अंदर मैक्सिमम मिलते हैं कौन? ये हरित लवक। क्या मिलेंगे? हरित लवक मिलेंगे, और हरित लवक के अंदर ही होता है क्या? प्रकाश संश्लेषण। तो कहानी समझ में आई जो मैंने यहां पर गढ़ी है क्या? कि भैया प्रकाश संश्लेषण कहां हो रहा है? सर पत्ती में। पत्ती में कहां हो रहा है? भरण ऊतक में। भरण ऊतक किससे बना हुआ? मेसोफिल। डायरेक्टली मैं बोल देता कि भैया प्रकाश संश्लेषण का और पत्ती की पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में। क्यों? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण करने के लिए एक अंगक की जरूरत होती है जिसका नाम है हरित लवक, और ये हरित लवक मैक्सिमम मिलता है इन कोशिकाओं में, तो मैक्सिमम प्रकाश संश्लेषण इन कोशिकाओं में होगा। डन डना डन डन। बोलिए, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई? चले, कोई कंफ्यूजन तो नहीं था? पक्का? चले आगे, चले 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 चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। आप में से कईयों का यह भी प्रश्न होगा, सर हरित लवक कितने मिलते हैं इन कोशिकाओं में? पूछेंगे ना, सर कितने हरित लवक मिलते हैं इन कोशिकाओं में? तो बेटा हर एक पादप की कोशिका पर डिपेंड करता है, किसी में 20 से 30 भी हो सकते हैं, ये 20 से 30 भी हो सकते हैं, और किसी में ये 200 से 400 भी हो सकते हैं। एवरेज ये बोला जाता है, एवरेज बता रहा हूं, एवरेज हरित लवक पर्ण मध्योतक में, एवरेज लिख देता हूं दोस्त, यहां पर एवरेज लिख रहा हूं, ठीक है, औसत लिख रहा हूं, औसतन कितने मिलते हैं? औसत 300। विश्वास ना हो तो अच्छी अच्छी बुक्स कभी अगर पढ़ी हो, मैंने पढ़ी है, इस बेसिस पे बता रहा हूं, औसतन ये जो पर्ण मध्योतक कोशिका है जो यहां पर मिल रही थी, इसमें लगभग 300 क्या मिलते हैं? एवरेज बोल रहे हैं, औसतन। किसी में 20 से 30 भी मिल जाते हैं, किसी में 400 500 में मिल जाते हैं, इसीलिए हमने बोला एवरेज कितने मिलते हैं?
300 हरित लवक मिल रहे हैं, किसमें? पर्ण मध्योतक कोशिका में। चलें आगे, पक्का। अब हम बात करने वाले हैं, इसी की बात करने वाले, क्योंकि इसी में प्रकाश संश्लेषण होने वाला है। तो आइए बात करते हैं किसकी? हरित लवक की। हमने बोला दोस्त ये एक कोशिका, और इस कोशिका के अंदर कौन मिल रहा है? सर ये हरित लवक मिल रहा है। मैंने कहा ठीक है, इस हरित लवक को हालांकि हमने सेल चैप्टर में पढ़ लिया, लेकिन यहां पर भी पढ़ाना जरूरी है। आइए हम इस हरित लवक को बाहर निकालते हैं। ये है हमारा हरित लवक, जिसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, और इसी में ही प्रकाश संश्लेषण होने वाला है। क्यों सर? इसी में ही क्यों होने वाला है? क्योंकि दोस्त प्रकाश संश्लेषण करने के लिए जो वर्णक चाहिए ना, जो मेन वर्णक है क्लोरोफिल, वो यहां पर है, इसके अंदर है। ठीक है, आइए तो हम इस हरित लवक को बाहर निकाले, और बाहर निकालकर हमने इसको बनाया। ये हमारा हरित लवक जो दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है। चलिए सर, इतनी सी बात हमको समझ में आ गई है कि हरित लवक डबल मेम्ब्रेन होता है, दो झिल्लियों से बना होता है, एक बाहरी झिल्ली एक अंदरूनी झिल्ली। ये बताने की जरूरत नहीं, आप ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है सर, इसके अंदर एक द्रव्य है जिसको हम पीठिका बोलते हैं। कितने बच्चों को याद आ रहा है? कितने बच्चों को याद आ रहा है कि इसके अंदर सर एक लिक्विड है, एक द्रव्य है, और उस द्रव्य को हम क्या बोलते हैं? सर पीठिका बोलते हैं। अंग्रेजी में स्ट्रोमा बोलते हैं। ठीक है, इस पीठिका में एक गोलाकार क्या मिलता है? डीएनए भी मिलता है। क्या मिलता है? डीएनए भी मिलता है। इसी पीठिका में सर राइबोसोम भी मिलते हैं। क्या मिलते हैं? राइबोसोम भी मिलता है। राइबोसोम भी मिलता है। कौन सा मिलता है? याद कर, 70S। कैसा था? प्रोकैरियोटिक कोशिका जैसे। ये सारी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं दोस्त, ये सारी बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। राइबोसोम मिल रहा है कौन सा? 70S प्रकार का, जो प्रोकैरियोटिक का एक लक्षण था। किसमें? हरित लवक में। यूकैरियोटिक कोशिका की, भाई ये पादप कोशिका है, ये एक पादप कोशिका है जिसमें केंद्रक आवरण है, बिल्कुल है, कोशिकांग है, हाँ है, ये एक यूकैरियोटिक कोशिका। इस यूकैरियोटिक कोशिका का ये कोशिकांग जो था कौन? हरित लवक। इसके अंदर खुद का डीएनए है और राइबोसोम है। ये लक्षण जो थे, याद कर हमने पढ़ा था, ये लक्षण जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका के लक्षण थे जो हरित लवक में दिखाई दे रहे। और याद कर ये एक और अंगक में भी मिलते, कौन था? माइटोकॉन्ड्रिया। याद आ रहा है? ठीक है, तो ये तो नॉर्मल सी बातें हम जानते हैं। अब इधर ध्यान से सुन लो सर, इस पीठिका में एंजाइम भी होते हैं, याद रखना। इस पीठिका में क्या होता है? एंजाइम। सर उन एंजाइमों का क्या करेंगे? मैंने कहा आगे बताऊंगा, अभी सिर्फ इतना सा, इस पीठिका के अंदर बहुत सारे एंजाइम भी है। इस पीठिका में एंजाइम भी है। ओके सर, ठीक है, अब आगे चलते हैं। मेन चीज क्या है? इस पीठिका के अंदर झिल्ली से बनी हुई, ध्यान से सुनना, झिल्ली से बनी हुई, ये झिल्ली से बनी हुई संरचना थी। ये झिल्लीदार संरचना थी, गोल गोल इस तरीके से, फ्लैट होती है, मतलब चपटी चपटी इस तरीके से, है ना। और इस संरचना को दोस्त अगर आपको याद आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं याद आ रहा तो बहुत बुरी बात है। ये इस संरचना को हम क्या बोलते हैं? थाइलेकॉइड। सर हिंदी में, बांगड़ू हिंदी में भी थाइलेकॉइड ही बोला है। ये जो संरचना है इसको हम क्या बोलते हैं? थाइलेकॉइड बोलते हैं। ये जो संरचना है इसको हम क्या बोलते हैं? थाइलेकॉइड। ठीक, अब इस थाइलेकॉइड के नीचे एक और थाइलेकॉइड, एक और, एक और, एक और, एक और, है ना। तो जरा सोचिए, थाइलेकॉइड के नीचे एक और थाइलेकॉइड, एक और थाइलेकॉइड, एक और थाइलेकॉइड, इस तरीके से कई सारी थाइलेकॉइड मिलकर एक एक गुच्छा सा बना रही, एक समूह बना रही। हाँ सर, इस समूह को क्या बोला था? कितने बच्चों को याद है?
इस समूह को क्या बोला था, कितने बच्चों को याद है सर? इस समूह को, इस पूरे समूह को हम बोलते हैं ग्रेनम। कितने बच्चों को याद है इस समूह को हम क्या बोलते हैं? ग्रेनम बोलते हैं। याद आ रहा है? बोलिए, भूले तो नहीं है? ये हमारा थायलेकोइड, ठीक है, और थायलेकोइड के ऊपर, मतलब थायलेकोइड जैसे यूं मान लो एक सिक्का है, एक सिक्का, एक रुपए का एक सिक्का, ये सिक्का, फिर उसके नीचे एक और सिक्का, सिक्का 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 सिक्का, इस तरीके से पूरा एक स्टैक, एक समूह बन जाएगा कि नहीं होगा, कई सिक्कों का? हाँ सर। तो ये जो समूह है इसका नाम है ग्रेनम, और ये ग्रेनम किससे बना हुआ है? थायलेकोइड से। अब आपका प्रश्न होगा, मेरे को पता है सर एक ग्रेनम में कितने थायलेकोइड होते हैं, पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? यस। तो मैं आपसे बोलूंगा एक ग्रेनम में लगभग 20 से 40 क्या होते हैं? थायलेकोइड होते हैं। डन, कोई दिक्कत तो नहीं है? एक ग्रेनम, ये पूरा एक ग्रेनम है, इस ग्रेनम में क्या मिल रहे हैं थायलेकोइड? कितने? मैंने बोला 20 से 40 होते हैं। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इधर देखिएगा, मैंने बोला ये ग्रेनम है, एक और ग्रेनम। ये भी ग्रेनम। अब आपका एक और प्रश्न होगा, आप पूछेंगे सर एक हरित लवक में कितने ग्रेनम? मैंने बोला एक हरित लवक में लगभग 30 से 60 ग्रेनम है। मेरे को पता है आपके क्या प्रश्न है, और मैं आपको बताता जा रहा हूं। ये एक ग्रेनम 20 से 40 किससे बना? थायलेकोइड, ऐसे 20 से 40, एवरेज 30 बोल देते, 20 से 40 हमने बोल दिया, ठीक है। तो 20 से 40 क्या है? थायलेकोइड मिलकर एक ग्रेनम बना रहे। ऐसे एक ग्रेनम, दो ग्रेनम, तीन ग्रेनम, ऐसे कितने ग्रेनम मिल रहे हैं इस हरित लवक में? हमने बोला 30 से 60 क्या मिल रहे हैं? ग्रेनम मिल रहे हैं। और साहब ये ग्रेनम जो है, इधर देखना, ये ग्रेनम जो है दोस्त, ये ग्रेनम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये ग्रेनम एक दूसरे से जुड़े पड़े हैं। किससे जुड़े पड़े हैं सर? इस संरचना से। अब इसका नाम क्या होता है दोस्त? इसे हम बोलते हैं, ये भी आप जानते हैं अगर याद आ रहा हो, इसका नाम होता है पीठिका पटलिका। सर इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रोमा लेमिला, ठीक है, जो क्या कर रही है सर? ग्रेनम को ग्रेनम से जोड़ रही है, इस ग्रेनम को इस ग्रेनम से, ये वाली इसको इससे, ऐसी क्या हो रही, जोड़ रही, कौन? पीठिका पटलिका। डंडना डंड, क्लियर है? कंफ्यूजन तो नहीं था? चले आगे, पक्का। अब जो बात आ रही है समझना, थायलेकोइड एक झिल्ली से बनी हुई संरचना, ये झिल्ली है, ध्यान से देख, क्या बोला मैंने? ये झिल्ली है, झिल्ली, इसके नीचे झिल्ली, इसके नीचे मेम्ब्रेन। ये भी झिल्ली है, ये जो पीठी का पटली का थी, ये भी झिल्ली है। सारी झिल्लियां ही तो झिल्लियां हैं, और इन झिल्लियों के अंदर मिलते हैं वर्णक। इन झिल्लियों में, इस थायलेकोइड की झिल्ली में क्या है? वर्णक है। अब आप पता है कंफ्यूज कैसे हो जाते हैं, बुक में लिखा होता है ग्रेनम में वर्णक बोलते हैं, लिखा होगा ग्रेनम में वर्णक होते हैं, तो बांगड़ू एक ही तो बात है भाई, ग्रेनम किससे बना हुआ है? थायलेकोइड से। तो थायलेकोइड की झिल्ली में अगर वर्णक है,
तो थायलाकॉइड क्या बना रही है? ग्रेनम। तो ग्रेनम में वर्णक नहीं हो गया। और सर जी माथा घूम गया, अरे यार ये मेरा हाथ है जिसमें पांच उंगलियां हैं, ये मेरे हाथ में पांच उंगलियां है, मतलब चार उंगलियां एक अंगूठा। अब जरा सोचे, मैं यही तो बोलूंगा, ये दस टोटल, जो दस टोटल जिसमें से आठ उंगलियां और दो अंगूठे हैं, ये मिलकर मेरा एक भाग है कि नहीं है, बोलूंगा ना। तो जरा सोचिए, मैंने बोला थायलाकॉइड किसका भाग है? ग्रेनम का। अगर थायलाकॉइड के अंदर, ये थायलाकॉइड की जो झिल्लियां हैं इसके अंदर अगर वर्णक मिल रहे हैं, तो थायलाकॉइड अगर ग्रेनम का भाग है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा ग्रेनम में वर्णक मिल रहे, नहीं बोलूंगा। इस ग्रेनम में वर्णक मिल रहे कहां? इसकी थायलाकॉइड की झिल्लियों में। इस ग्रेनम में वर्णक मिल रहे कहां? इसकी थायलाकॉइड की झिल्लियों में। इस ग्रेनम में वर्णक मिल रहे कहां? इसकी थायलाकॉइड की झिल्लियों में। अब आप पूछेंगे, सर ग्रेनम में तो मिल ही रहे हैं, इनमें भी मिल रहे हैं? मैं बोलूंगा हाँ, इनमें भी। अब आप पूछेंगे, सर ग्रेनम में तो मिल ही रहे हैं, इनमें भी मिल रहे हैं? मैं बोलूंगा हाँ, इनमें भी वर्णक मिल रहे हैं। पीठिका पटलिका में भी वर्णक मिल रहे हैं, ग्रेनम में भी वर्णक मिल रहे हैं। तो दोस्त, ये सारी संरचना में वर्णक मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं? बिल्कुल मिल रहे हैं। और ये सारी संरचना कौन कौन? ग्रेनम और पीठिका पटलिका मिलकर क्या कहलाती है? ग्रेना। क्या कहलाती है? ग्रेना कहलाती है। तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता ग्रेना किससे बना हुआ है? ग्रेना बना हुआ है ग्रेनम से प्लस पीठिका पटलिका से, ठीक है? तो ये पीठिका पटलिका और ये लगभग 30 से 60 कौन? आपके ग्रेनम, ठीक है? ग्रेनम ग्रेनम ग्रेनम, ऐसे 30 से 60 ग्रेनम जो आपस में जुड़े हुए हैं। किससे? पीठिका पटलिका। दो ही तो चीजें हैं, एक तो ग्रेनम है और पीठिका पटलिका है, एक तो ग्रेनम है और पीठिका पटलिका है। ये आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं? सर ग्रेना बना रहे हैं। तो अब जरा सोचिए, इनमें भी ग्रेनम किससे बने हुए हैं? सर ग्रेनम बने हुए हैं थायलाकॉइड से। लो जी सामान्य तौर पर एक बच्चा समझ जाएगा, थायलाकॉइड क्या बना रहे हैं? ग्रेनम। ओके सर, एक ग्रेनम में 20 से 40 थायलाकॉइड है, 20 से 40 थायलाकॉइड क्या बना रहे हैं? एक ग्रेनम। हमने बोला एक हरित लवक में 30 से 60 क्या है? ग्रेनम है। कई सारे ग्रेनम आपस में जुड़े हैं किससे? पीठिका पटलिका। इनमें भी पीठिका पटलिका भी किससे बनी हुई है? झिल्ली से। ये भी किससे बने हुए? झिल्ली से। इनके अंदर भी क्या मिल रहे हैं? वर्णक। इसमें भी क्या मिल रहे हैं? वर्णक। ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? वर्णक। तो जरा सोचिए, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? ग्रेना। तो आपको बुक में मिलेगा वर्णक मिलते हैं ग्रेना में, क्या ये गलत है? ये भी सही है भाई। यहां पर वर्णक, यहां पर वर्णक, इनमें वर्णक, इसमें वर्णक, इसमें वर्णक, ये ग्रेनम, ये ग्रेनम, ये ग्रेनम और स्ट्रोमा लेमिला यानी पीठिका पटलिका मिलकर क्या कहला रहा है? ग्रेना कहला रहा है। तो इनमें वर्णक है सब में, तो ये सब मिलकर अगर ग्रेना बना रहे हैं, तो ग्रेना में वर्णक नहीं है। यस, ग्रेना में क्या मिल रहे हैं? वर्णक मिल रहे हैं। तो पहली चीज तो आपको ये समझ में आ गई, जो कई बार बुक हमें कंफ्यूज कर देती है कि वर्णक कहां पर मिलते हैं। दोस्तों वर्णक मिलते हैं ग्रेना में, जो बना हुआ है ग्रेनम और पीठिका पटलिका। ग्रेनम बने होते हैं थायलाकॉइड से, इन्हीं की झिल्लियों में, इन्हीं की झिल्लियों में क्या होते हैं? वर्णक होते हैं। डन। क्या आपको ये संरचना समझ में आ गई है? ये किसकी संरचना थी दोस्त? ये हरित लवक की संरचना है। चलें आगे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं था पक्का? अब आपका प्रश्न होएगा, सर ये सारी चीज हमें समझ में आ गई है, अब मैं आपसे एक चीज कहने वाला हूं, जरा ध्यान से सुनना। मैं आपसे कह रहा हूं, मुझे बताओ, यहां पर मैंने आपसे बोला कि भैया प्रकाश संश्लेषण जो है वो दो अभिक्रियाओं से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सी? एक मैंने बोला प्रकाश अभिक्रिया, एक मैंने बोला प्रकाश अभिक्रिया और एक मैंने बोला अप्रकाश अभिक्रिया, ठीक है? सिंपल, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन।
अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, देखते हैं कितने बच्चों का दिमाग चलता है, इन दोनों रिएक्शंस में कौन सी रिएक्शन में वर्णक चाहिए थे, बताओ। सर अभी तो थोड़ी देर पहले पीछे आपने बताया था, थोड़ी देर पीछे आपने बताया था, अप्रकाश अभिक्रिया में जरा सोचिए क्या वर्णक चाहिए, नहीं वर्णक कहां चाहिए सर प्रकाश अभिक्रिया में, तो अब आप मुझे बताइएगा। अच्छा एक और चीज, वर्णक कहां चाहिए प्रकाश अभिक्रिया में, अप्रकाश अभिक्रिया में आपने बोला सर ये चीजें चाहिए, और साथ साथ एक और चीज मैं लिख देता हूं, एंजाइम भी चाहिए होते हैं, ये मैंने पहले नहीं बताया था, अब बता रहा हूं क्योंकि अब ये काम की चीज है, ये करने के लिए एनर्जी भी चाहिए और एंजाइम भी चाहिए। डन। मेरा सीधा सीधा प्रश्न आपसे है, आप मुझे बताएंगे सीधा सीधा बताएंगे, ये जो दो अभिक्रियाएं हैं इनमें से कौन सी अभिक्रिया कहां संपन्न होएगी, बोलिए प्रकाश अभिक्रिया कराने के लिए क्या चाहिए, वर्णक चाहिए कि नहीं चाहिए, हाँ सर प्रकाश अभिक्रिया कराने के लिए क्या चाहिए, वर्णक चाहिए, और वर्णक दोस्त मुझे बता पीठिका में मिल रहा है, पीठिका जो ये बाहर द्रव्य था इसमें मिल रहा है, बताइए क्या वर्णक यहां पर मिल रहा है, क्या बाहर पीठिका में मिल रहा है या ग्रेना में मिल रहा है, ग्रेना में मिल रहा है वर्णक, सर ग्रेना में मिल रहा है, तो याद रखना प्रकाश अभिक्रिया कहां पर संपन्न होती है, भूल ना जाइएगा ये कहां संपन्न होती है, याद रखना ये ग्रेना में संपन्न होती है, भूल ना जाइएगा याद रखना, यानी आपसे कोई पूछे कि प्रकाश संश्लेषण की ये वाली अभिक्रिया किधर होगी, तो आप सीधा बोलेंगे जहां जहां वर्णक है, कहां वर्णक है, ग्रेनम में है, पीठिका पटलिका में है, यानी कुल मिलाकर ग्रेना में वर्णक है, ग्रेना में अगर वर्णक है तो प्रकाश अभिक्रिया में चाहिए वर्णक, तो प्रकाश अभिक्रिया कहां होगी, ग्रेना में संपन्न होगी। अब आप मुझे बता दीजिए अप्रकाश अभिक्रिया कौन सी थी, सर अप्रकाश अभिक्रिया हमारी ये थी, ये वाली अप्रकाश जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदलते हैं, एनर्जी चाहिए थी, हाँ चाहिए थी, लेकिन क्या चाहिए, एंजाइम, अब आप मुझे बताएं एंजाइम चाहिए, एंजाइम कहां है, बोलिए एंजाइम कहां है, सर एंजाइम पीठिका में है दोस्त, इसी द्रव्य में ही तो बताया मैंने, एंजाइम कहां पर है, सर पीठिका में है, तो अब आप मुझे बता दीजिए अप्रकाश अभिक्रिया कहां होगी, सर ये होगी पीठिका में, यानी स्ट्रोमा में, तो ये चीज थी जो मुझे आपको बतानी थी, क्लियर है। अब आप जरा सोचिए इस चैप्टर को हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में यहां तक की बातें अगर आपको क्लियर हो गई हैं, समझ में आ गई हैं, तो इस चैप्टर में हमें बस दो चीजें पढ़नी है, क्या सर, हमें पढ़नी है पहले प्रकाश अभिक्रिया, फिर हमें पढ़नी है अप्रकाश अभिक्रिया, और चैप्टर हो जाएगा समाप्त, बस जी हाँ। अब बताइए क्या हम क्रम में पढ़े हैं, एक एक चीज आराम से समझ में आई है, क्रम वाइज चीजें हम लेकर चल रहे हैं, समझ में आया है, डन डना डन डन, क्लियर है। चलिए तो अब हमें पढ़नी है प्रकाश अभिक्रिया, यानी हमें वो अभिक्रियाएं पढ़नी है जिसमें वर्णकों की बात होने वाली है, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, सर हम पढ़ेंगे प्रकाश अभिक्रिया, क्या पढ़ेंगे, प्रकाश अभिक्रिया जो कहां पर होने वाली है, सर प्रकाश अभिक्रिया ग्रेना में संपन्न होने वाली है, प्रकाश अभिक्रिया में लिखता जाता हूं सबसे पहला बिंदु कहां पर होगी, ग्रेना में होगी, हां सर, दूसरा बिंदु इस प्रकाश अभिक्रिया में वर्णक चाहिए, यस वर्णक प्लस प्रकाश प्लस जल चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, हाँ सर तीनों चीजें चाहिए, क्या किया था जरा सोचे प्रकाश अभिक्रिया में, सर हमने 12 जल के अणुओं को तोड़ा, किसकी उपस्थिति, प्रकाश और वर्णक, और क्या बना था सर, 6 ऑक्सीजन निकल गई थी और एटीपी एनएडीपीएच बना था, हाँ जी, इनको हम प्रकाश अभिक्रिया में यूज में लेंगे,
खत्म खल्लास, ये प्रकाश अभिक्रिया। इतना आसान नहीं है। अभी तो ये प्रकाश अभिक्रिया भी दो प्रकार की मिलेगी, एक चक्रीय प्रकाश अभिक्रिया, एक अचक्रीय प्रकाश अभिक्रिया। चक्रीय प्रकाश अभिक्रिया में एक तंत्र काम करेगा, अचक्रीय में दो तंत्र काम करेंगे। इतना आसान नहीं है, इसलिए बोल रहे हैं आराम से तसल्ली से सुनिएगा। जो जानते हैं अच्छी बात है, जो नहीं जानते आराम से सुनिएगा। प्रकाश अभिक्रिया यहां पर होगी, क्यों? क्योंकि यहां पर वर्णक मिलर वर्णकों की जरूरत है। ठीक है, ये समझ में आ गया। यहां क्यों होगी? तो वर्णक, सिर्फ वर्णक चाहिए नहीं, वर्णक के साथ प्रकाश भी चाहिए। तो वर्णक भी चाहिए, प्रकाश भी चाहिए। करने क्या वाले हैं? सर जल को तोड़ने वाले हैं। क्या मुक्त हो जाएगी? ऑक्सीजन। क्या मिल जाएगा? ये इसको यूज में लेंगे अप्रकाश अभिक्रिया में। डंडना डंडन, इतनी सी बात थी जो समझानी थी। तो कुल मिलाकर ये सारी चीज है। अब हम क्या पढ़ेंगे? सर प्रकाश अभिक्रिया में वर्णकों की जरूरत है, मैंने कहा। तो अगला जो टॉपिक आएगा वो ये आएगा, क्या? प्रकाश संश्लेषी वर्णक। प्रकाश संश्लेषी वर्णक की बात करने वाले हैं, यानी वो वर्णक जो प्रकाश संश्लेषण में उपयोग में आते हैं, उनकी हम बात करेंगे। किसकी? प्रकाश संश्लेषी वर्णकों की हम बात करने वाले हैं। दोस्त अभी मैं आपको सिर्फ इतना सा बता रहा हूं, प्रकाश संश्लेषण में जो वर्णक यूज में आते हैं वो होते हैं दो प्रकार के। एक का नाम है क्लोरोफिल और एक का नाम है कैरोटीनॉइड। सर जी हिंदी में क्लोरोफिल पर्ण हरित, कहीं कहीं जगह बुक में लिखा होता है पर्ण हरित या हरित पर्ण भी लिख देते हैं, ये मैंने आपको बता दिया था। और कैरोटीनॉइड को कैरोटीनॉइड ही बोलते हैं। ठीक है, इन दो तरह के वर्णक की आवश्यकता होती है। अब ये जो कैरोटीनॉइड जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कैरोटीन, सर हिंदी में भी कैरोटीन बोलते हैं, और एक होते हैं जेंथोफिल। हमारी एनसीईआरटी में मिस्टेक है, मैं आपको बता दूंगा कहां मिस्टेक है। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं, एक कैरोटीन और एक जेंथोफिल। ठीक है, तो जेंथोफिल और कैरोटीन ये दो प्रकार होते हैं, किसके? कैरोटीनॉइड्स के। तो अब आप मुझे बताइए, शॉर्ट में अगर मैं आपको बोलूं तो हमें तीन प्रकार के वर्ण की जरूरत है। कौन कौन से? सर एक हमें चाहिए क्लोरोफिल, एक हमें चाहिए कैरोटीन और एक हमें चाहिए जेंथोफिल। मैंने कहा ये दोनों मिलकर ये कहला रहे हैं, तो इसलिए हमने बोला प्रकाश संश्लेषी वर्णक दो प्रकार के हैं, जिसमें जो दूसरा प्रकार है उसके दो प्रकार है। टोटल कितने? तीन नहीं हो गए? हाँ सर। तो ये तीन प्रकार के वर्णक चाहिए प्रकाश संश्लेषण संपन्न करने के लिए। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी अभिक्रिया? सर प्रकाश अभिक्रिया संपन्न करने के लिए, जिसमें हम वर्णक और प्रकाश की उपस्थिति में जल को तोड़ेंगे, ऑक्सीजन निकल जाएगी और हमारा उत्पाद बन जाएगा एटीपी एंड एडीपीएच। डन, क्लियर है? आप में से कई पूछेंगे सर एटीपी की फुल फॉर्म एंड एडीपीएच की फुल फॉर्म, ये सारी बताऊंगा, टेंशन मत लेना, सब बताऊंगा, लेकिन क्रम में चीजें आएंगी तो मुझे अपने हिसाब से पढ़ाने देना। मुझे पता है आपके बहुत सारे डाउट्स होंगे, लेकिन जो अभी मैं पढ़ा रहा हूं सिर्फ उतनी सी चीजों को समझो। एक दिन में आपने पूरी 10वीं कक्षा पास नहीं कर ली थी, क्रम में चीजें पढ़ी थी। 11वीं कक्षा एक दिन में पूरी नहीं हो गई थी, क्रम में चीजें पढ़ी थी। तो क्रम में जैसे जैसे समझा रहा हूं वैसे वैसे चीजों को समझिए। आज बेटा हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। अब इसके बाद और भी कई सारी चीजें प्रकाश संश्लेषी वर्णकों के बारे में, ये कई सारी चीजें यहां पर लेकर आया हूं, ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज सिर्फ इतना ही था दोस्त। ठीक है, अभी समय हुआ है आपके क्विज का। पहला प्रश्न सामने आता हुआ, फर्स्ट, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश एवं क्लोरोफिल या हरे रंग के महत्व को किसने खोजा था? वो कौन सा वैज्ञानिक था जिसने सबसे पहले महत्व बताया था? किसका? एक तो प्रकाश का और एक हरे रंग का।
का यानी क्लोरोफिल का, इन दोनों का महत्व किसने, किस वैज्ञानिक ने बताया था? प्रिस्टले, इंजनहौज, एंजलमान या एंगलमान, ब्लैकमान, बताइए किसने हरे रंग और प्रकाश की अहमियत बताई थी प्रकाश संश्लेषण? नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण में मुख्य वर्णक क्लोरोप्लास्ट में कहां उपस्थित होते हैं? क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक में कहां मिलते हैं? ग्रेना में, स्ट्रोमा में, बाह्य परत में, आंतरिक परत में? दिमाग लगाए, वर्णक कहां मिल रहे थे? कुल मिलाकर मैंने आपको क्या बताया, वर्णक कहां मिल रहे थे? हरित लवक, हरित लवक को हम क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक में जो वर्णक थे वो कहां मिल रहे थे? ग्रेना में थे, स्ट्रोमा में थे, बाह्य परत में थे, आंतरिक परत में थे, कहां पर थे? चलिए जी, समय हुआ समाप्त, आइए डिस्कस करते बेटा। पहला प्रश्न था हमारा कि भैया प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की और हरे रंग का महत्व किसने बताया था? आपको क्या ये वैज्ञानिक याद है? इंजन, इंजन याद आ रहा है, जिसने क्या किया था? सर, एक बार प्रकाश में और एक बार अंधेरे में पादप को रखा था, जलीय पादप को, और ये बताया कि भैया प्रकाश की उपस्थिति में ही मंड बन रहा है, और साथ साथ ये बताया कि जो हरा भाग है, हरा भाग, वहां से बुलबुले निकल रहे, याद आ रहा है? हाँ सर, याद आ रहा है। तो प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश और हरे रंग का महत्व जो था वो किसने बताया था? इंजनहौज ने या इंजनहौज ने बताया था, याद रखना, ठीक है? नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण में जो वर्णक हैं वो क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक के में कहां मिल रहे थे? हरित लवक को हम क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट, ये भी वर्ड याद रखना। कहां पर मिलते हैं? स्ट्रोमा में वर्णक थे क्या? नहीं। बाह्य परत यानी हरित लवक की दो परतें थी, दो स्तर थी, एक बाहरी और एक अंदरूनी। भाई ये हरित लवक में ये दो स्तर हैं, ये बाह्य स्तर है, ये आंतरिक स्तर है, यहां पर थे। स्ट्रोमा में थे क्या? नहीं। तो आंसर सीधा सीधा नहीं हो जाएगा, ग्रेना यार, सीधा सीधा आपको मैंने बताया ग्रेना में मिल रहे थे क्या आपके वर्ण, खत्म। सो ये था बेटा जी आज का लेक्चर, आशा करते हैं आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी आराम से, तसल्ली से। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रकाश अभिक्रिया पढ़ेंगे और उसमें जो वर्णक है उनकी बात करेंगे, ठीक है? मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।